टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आपका पड़ोसी मुल्क चांद पे पहुंच गया है और ये खबर पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है कि इंडिया ने अपनी जो स्पेसशिप जो एक पूरा डेलीगेशन मिशन था, सॉरी गलत लफ्ज़ कर रहा हूं, मिशन अपना पूरा चांद पे भेज दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लेकिन सबसे जो मज़ेदार बात है वो यही है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि भाई पड़ोसी मुल्क तो चांद पे पहुंच गया और आप अभी तक यहाँ बैठे हुए तारे देख रहे हैं। और इस तरह की इतने मज़े मज़े की बातें आ रही थी जो कि मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी इनसेंसिटिव भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी वो ये था कि ख़ास तौर पे, हाँ ये बहुत ही मज़ेदार बात थी कि पड़ोसी मुल्क भारत चांद पे पहुंच गया और हम अभी तक जौहर में गटर के ढक्कन लगा रहे हैं। ये एक तो ये सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी पढ़ के हंसी भी आ रही होती है कि क्या बात है। लेकिन कम्स डाउन टू अ फैक्ट कि चलिए भाई, किसी ने भी किया, एक अच्छी कोशिश है, एक बहुत बड़ी तरक्की की बात है, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है और हैट्स ऑफ टू देम। और उसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, आप लोग जानते हैं कि जो पाकिस्तान में चेयरलिफ्ट ट्रेजडी हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक ख़तरे में फंस गए थे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसको भी सक्सेसफुली वो रेस्क्यू मिशन मुकम्मल हो चुका है। उनके लिए हमारी आर्मी के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जिनकी वजह से ये पूरा मिशन सक्सेसफुल हुआ और बहुत सारे लोगों को जो कि मुसीबत में फंस गए थे उनको निकाली गए। लेकिन एक बात वैसी मेरे जहन में आ रही थी कि बहुत दफ़ा जितने भी ये फन लैंड होते हैं और जितने भी इस तरह की जगह होती हैं जहाँ पे लोग अपनी सैर व तफरी के लिए जा रहे होते हैं, चेयरलिफ्ट भी होती हैं, पैट्रियाटा में इतनी सारी चेयरलिफ्ट हैं, मैं कभी भी जा रहा हूँ तो मैं पूछता भी हूँ कि कितनी पुरानी है, तो वो लोग अपने मुंह से बता रहे होते हैं कि तो 1971 में लगी थी, कोई कह रहे हैं कि 1982 के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया था और उसके बाद से कभी भी उसको दोबारा रिवाइव नहीं किया गया, उसकी रिपेयरिंग नहीं की गई। मुझे सिर्फ इस बात के बारे में थोड़ी सी एक तशवीश होती है कि कभी भी आप लोग भी हैं बहुत ज़्यादा, हमारी जो आजकल की ऑडियंस है सारी बाशऊर लोग हैं, कभी भी आप इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हों, अगर आप कोई किसी झूले पे बैठ रहे हो किसी फन लैंड वगैरह के अंदर जाके, तो प्लीज़ ये ज़रूर देखिएगा और इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि वो कितना पुराना है, उसको कितनी ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत है। और अगर 10-15 साल से पुराना हो कोई भी झूला लगा हुआ और उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई हो तो प्लीज़ आप उसके अंदर बैठने से ख़ुद ही मना कर दें, और बेहतर है कि आप किसी पार्क या यहाँ बीच वगैरह पे चले जाएं, क्योंकि ये तो एक मुसीबत को दावत देने की बात है। बहुत सारी जगह इस तरह की जहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं होता, एक दफ़ा एक चीज़ इंस्टॉल हो जाती है फिर उसके बाद उसको दोबारा से नहीं देखा जाता। तो इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि हमें आई थिंक अपनी जो प्रोटेक्शन है वो हमें खुद करनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब ये झूले वगैरह होते हैं उस पर छोटे बच्चे बैठते हैं, जब आपके खुदा ना खाता छोटे बच्चे किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, बल्कि छोटे बच्चे कहीं भी प्रॉब्लम में आते हैं तो दुख तो सबको ही उतना होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फेरिस व्हील कहीं कहीं लगा हुआ होता है वो आधा चलते हुए बंद हो जाता है, झूले कभी कभी बंद हो जाते हैं, कभी कभी जो हुक्स होते हैं चेयर के वो खुल जाते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इट हैपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह ये पे हो, जहाँ जहाँ ये फन लैंड बने हुए होते हैं हर जगह पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ रिपेयरिंग का काम थोड़ा कम होता है, नज़रअंदाज इस चीज़ को कर दिया जाता है। तो हमें तस्दीक करके आप लोगों को इस तरह के सैर व तफरीही मकामात पे जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बच्चों की वेलबींग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। आप लोग जानते हैं कि बच्चों के अंदर और यंगस्टर्स के अंदर जो सुसाइड की, जो खुदकुशी की शरह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रहते हैं, लेकिन ऊपर से एक स्माइल रखी हुई होती है, फिर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि उन्होंने खुद ही ज़िंदगी से अपना जो ताल्लुक़ था उसको ख़त्म कर दिया। इसकी क्या वजूहत होती हैं, इसकी कौन कौन सी रीज़निंग लोग इसके बारे में दे रहे होते हैं, बहुत दफ़ा इस तरह के लोग कह रहे होते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ उन्होंने अपनी जो मुश्किल थी उसको आसान कर दिया। कोई भी शख्स
अपनी मर्ज़ी से अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो वो अपने लिए आसानी पैदा नहीं कर रहा होता, उससे मुश्किलात से लड़ने का जो हौसला होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। अपनी जान लेना एक बहुत बड़ा गुनाह है, ये हमें हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कभी पता चल रहा हो कि किसी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ हैं, कोई अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, कोई शख्स इस अज़ियत से, इस प्रॉब्लम से, इस ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार है कि वो अपनी जान लेना चाहता है, या काफ़ी दफ़ा अपने आप को इस तरह की सिचुएशंस में डाल चुका है, आपको इमीडिएटली या तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि उस शख्स को बर वक्त बचा लिया जाए। क्योंकि आपको पता है ज़हनी कैफियत आजकल इस तरह की हैं। अभी कल ही मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि शायद अभी थोड़े दिन में पेट्रोल की कीमतें और बढ़ा दी जाएंगी, और आपको पता है ये पढ़ा होगा आप लोगों ने भी तो। और अभी पता नहीं ये बात सच है या गलत है, एक आपको पता है इंटरनेट पे हर तरह की खबर नज़रों से गुजर रही होती है। आपको पता है आजकल जो मईशत है हमारी वो कहाँ जा रही है, आप लोगों के हम सब की जो एक ज़िंदगी की जो तगोदो जो भाग दौड़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हर शख्स के पास बिल्स इतने हैं पे करने के लिए, और आपको पता है जो आप लोग कभी भी अगर अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो, और अपने घर वालों के बारे में अगर आप सोच रहे हो, बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल्स हैं, उसके ऊपर पेट्रोल है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हम लोग अपनी सैलरीज़ क्यों नहीं बढ़ा देते। जब सारे पैसे बढ़ रहे हैं तो हम लोग इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमारी सैलरी वही है, बॉस नहीं मान रहे, वो कहते हैं जॉब से निकाल देंगे। तो जिन लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी को जॉब से निकाल सकें, उनको ये भी अथॉरिटी है कि आप आजकल का दौर देखते हुए थोड़ी बहुत किसी की मदद कर दें। आप भले अगर सैलरी नहीं बढ़ा रहे तो आप उनको एक बोनस दे सकते हैं, किसी किस्म का कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन फ्यूल फ्री कर सकते हैं, आप मेडिकल फ्री कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ अपने उन लोगों के लिए, आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का एक स्टेप उठा सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। ख़ासतौर पर मैं स्कूल्स से दरख्वास्त करूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा जितने भी स्कूल हैं सबकी इतनी ज़्यादा फीसें हो गई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि 2-2, 3-3 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, हम सोचें उनकी 50-60 हज़ार रुपये महीने की एक फ़ीस हुई हुई जो कि बहुत ही अनरीजनेबल सी बात है। ये वक्त है, हमें सोचना चाहिए। और आपको पता है इतने ज़्यादा पैसे कमा के भी आप क्या क्या कर लेंगे, मुझे तो ये कभी कभी सोच भी आ रही होती है। लोगों का भला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खबरतीन रोज़ात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि यंगस्टर्स में हमारी जो यूथ है उनमें सुसाइड की शरह में इजाफा हो रहा है, ज़हनी बीमारियों की शरह में इजाफा हो रहा है। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, यंगस्टर्स, टीन्स, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग, जो कि ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार रहते हैं। इनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और इनसे आज़ादी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, एक बहुत ही ज़बरदस्त फोरम कायम किया गया है जिसके बारे में बताएंगे। उस फोरम की सीईओ हमारे साथ हैं आयशा मियां, डॉक्टर आयशा मियां। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा के साथ बैठी हैं अनाया नूर, एंड उनके साथ हैं आयला दिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम आयला, कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, सबसे पहले पूछना चाहूँगा साइनएप्स है क्या? मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे क्लिनिकल सर्विसेज तो होते हैं एडल्ट्स के लिए और बच्चों के लिए, यूथ के लिए थेरेपीज भी होती हैं, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी एंड ऑफ कोर्स टॉक थेरेपी। लेकिन उसके साथ साथ वी हैव बीन ट्राइंग टू वर्क ऑन के पॉलिसी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कैसे बात कर सकते हैं, हम अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स पे काम करते हैं, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। और साइनएप्स का जो मकसद, अगर मैं 30 सेकंड्स लेके बताऊं, तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको साइनैप्स कहते हैं। तो एक पहले न्यूरॉन से जो मैसेज आता है वो साइनैप्स डिसाइड करता है कि अब बाकी बॉडी में कहाँ तक जाएगा। तो अगर साइनैप्स काम नहीं कर रहा तो हमारे मैसेजेस हर तरफ गलत सही जाएंगे, हमारी बॉडी जो है सही तरीके से और ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा। सो द आइडिया साइनैप्स का नाम रखने का वॉज कि अगर हम अकेले ही मेंटल हेल्थ पर काम करते रहेंगे बीमारी की सतह पर, तो ये
फिक्स नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं। तो हमें अपस्ट्रीम जो इश्यूज़ देखने हैं तो उसमें हमने आर्किटेक्ट से भी बात करनी है, म्यूजिशियन से भी करनी है, गवर्नमेंट से भी करनी है, सेलिब्रिटी से भी करनी है, सबके साथ कनेक्शंस करने हैं तो ही ये मसला जो है हम किसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अनाया, आप फाउंडर हैं यूथ सर्कल ऑफ साइनएप्स की, इसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट इज़ अ यूथ सर्कल? तो यूथ सर्कल ऑफ साइनएप्स हमने दिसंबर में शुरू किया था 2 ईयर्स अगो, और हमारा पॉइंट ये था कि जो यूथ है हम पाकिस्तान की जो जनरेशन हमारी वाली है 17-18 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए एक सेफ स्पेस हो जहाँ पे वो अपने यूथ मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक कुछ था नहीं जहाँ पे हमारी जनरेशन यंग पीपल साथ आके अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकते थे। अच्छा, तो यूथ सर्कल इज़ फॉर द यूथ, कि वो वहाँ पे आके अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सकें। अच्छा, आयला दिया अशरफ साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ सर्कल की, वाइस प्रेसिडेंट के क्या उनके गोल्स होते हैं? I work with Anaya, who is the president and founder. I have recently been titled as the vice president. During the making of Unplugged, I started working with Synapse in the youth circle of Synapse last year during their summer internship. You talk English mein bol rahi ho, par itna aahista bol rahi ho. So sorry. main summer internship mein kaam kar rahi thi. And that's how I became the vice. अच्छा, चूँकि आप of course youth को represent करती हैं, कभी आपने किसी colleague में या किसी दोस्त में कोई भी mental health issue identify किया, उससे बात की कभी आपने? Could you elaborate? I don't know what you mean by that. मैं कह रहा कभी आपकी किसी दोस्त में या किसी co-student में कोई आपके साथ पढ़ रहा हो या काम कर रहा हो उसके अंदर आपने कोई identify किया mental health issue है, उससे बात करने की आपने कभी कोशिश की? आई डोंट थिंक दैट लाइक वी शुड ट्राई एंड आइडेंटिफाई मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक दैट, बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल सफर विद मेंटल हेल्थ इश्यूज दीस डेज एंड वी शुड ट्राई एंड यू नो हेल्प देम, एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द यूथ सर्कल ऑफ साइनएप्स टू ब्रेक दैट स्टिग्मा। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि जब हम ज़हनी सेहत की बात करते हैं, ये जो शरह की बात करते हैं, लोग आजकल खुदकुशी कर लेते हैं, मुझे एक चीज़ जो बहुत हैरत की बात ये लगती है, कभी कभी अगर मैं अखबारों में या कहीं पढ़ रहा होता हूँ कि बहुत बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अच्छी फैमिली के भी होंगे, घर वाले भी बड़े पॉश होंगे और आपसे कम्युनिकेट भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दो ग्रेड्स ऊपर नीचे आने पे दे वुड एंड देयर लाइफ। तो मुझे ज़ाती तौर पे डॉक्टर साहब, इट्स अ पर्सनल परसेप्शन एंड ऑब्जर्वेशन, एज यू नो दैट यू नो वी वुड टॉक अबाउट दीस थिंग्स, मुझे ये लगता है कि कभी कभी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ओन कर लेते हैं, और कभी कभी आपके पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स के ख्वाहिश पे गुजारते हैं, फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी उनके ख्वाहिश पे गुजारें, फिर आई थिंक ये जो पैटर्न है पूरा ये चलता रहता है, फिर हमारे बच्चे होते हैं उनको भी चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। आपके ख्याल से एज अ डॉक्टर आपको लगता है कि ये पूरा सिस्टम सही है? नो, तो सिस्टम तो बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड वन ऑफ द रीजंस जो जब इन लोगों ने स्टार्ट किया आई थिंक अबाउट 1.5 ईयर अगो कोविड के दौरान थोड़ा स्टार्ट हुआ था और कोविड ख़त्म हो रहा था, तो जो बच्चे डिफरेंट स्कूलों से आए उन्होंने फोकस ग्रुप, सो एक चीज़ थीम बार बार कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ आ रही थी, किस चीज़ की एनजाइटी है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, एकेडमिक, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, ग्रेड्स का क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज स्कूल्स और पेरेंट्स और कम्युनिटी और आपका पूरा जो कल्चर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बस अगर आपका ए आ रहा है, यू नो योर बेसिकली आपकी आइडेंटिटी आपके ग्रेड्स के साथ कनेक्टेड है, आप कितने अच्छे हैं, कितने नहीं हैं, कितने कम्पेटिटिव हैं, कितने स्मार्ट हैं, कितने वो हैं, वो ग्रेड्स के साथ, जो कि मेरे हिसाब से मेरा पैटीव बहुत ही बड़ा मसला है, बिकॉज हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी हद तक दकियानूसी और पुराना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हिसाब हम इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते। हाँ, तो बिल्कुल इट्स नॉट, वी नॉट मूविंग विद द टाइम्स, और बहुत ज़्यादा हम पुराने वही सिस्टम्स को लेके चले हुए हैं, हमारा कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग का हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, तो उसके बेसिस पे फिर हम ग्रेड्स देते हैं और उसके बेसिस पे बच्चे अपना सेल्फ एस्टीम को जो है अपने ग्रेड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना जिस तरह कभी भी मुझे किसी भी सोसाइटी में अगर चेंज लाना होता है तो वहाँ की यूथ को टारगेट करके उनका जो जहन है उसको उसके उनकी कैपेबिलिटीज़ देख के उनके अंदर किस चीज़ का हुनर है या किस चीज़ का शौक़ है उसको देख के उनको करियर काउंसलिंग दी जाती है स्कूल में। और आपको पता है मेरे स्कूल के अंदर
थैंकफुली ये चीज़ मौजूद थी. मैं जितना भी अच्छा या बुरा स्टूडेंट था, मेरे टीचर्स शुरू से मुझे कहते थे तुम एक ऐसा काम करना जहाँ पे तुम पब्लिक डीलिंग में, या तो तुम लॉयर बनना या डॉक्टर बनना या तुम टीवी पे आ जाना. मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, यू नो एंड दिस वाज बैक इन ओ लेवल्स में आप 16-17 साल के होते हैं, 15-16-17 ये एज होती है. और उस वक्त जब टीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं, मेरे ख्याल से हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके शौक को आइडेंटिफाई करके उनको करियर पाथ्स देने चाहिए. हमारी गुफ्तगू यहाँ जारी है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. बात करें आज हम साइनएप्स की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में बात की जाती है. और हमारे एक और दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं आसिफ सनान साहब जो कि म्यूजिशियन है और म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हैं. अस्सलाम वालेकुम आसिफ, कैसे हैं आसिफ? हमने बहुत बार ये सुना है कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, लेकिन कभी कोई ये नहीं मानता कि म्यूज़िक एक थेरेपी भी हो सकती है. थेरेपी से जब कभी बात करते हो, थेरेपी का मतलब आ जाता है कि आप जाके दवाई खा रहे हैं. व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी? आई थिंक म्यूजिक थेरेपी हम सबको बचपन से ही पता है कि क्या चीज़ है, लाइक चेंज आर मूड आर इमोशंस ऑल दैट. बट जाहिर है अगर आप इसको साइंटिफिकली या मेडिकली देखेंगे तो हमारे अंदर 70% पानी है हमारी बॉडी में, ठीक है ना. और म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसीज. So whenever we hear something, it change our emotions inside. So music therapy का बहुत ही important part है हमारे माशरे से, हमारे like surrounding से. और like music therapy तो हो रही है हमारी, बिल्कुल हर तरह से. Like if it's a bad sound is irritating you and changing your mood. Exactly. So that's mean the good sound can change your mood too. अच्छा, मैं एक चीज़ जो कभी कभी सोच रहा होता हूँ या मान रहा होता हूँ कि कभी भी ऐसा ना कि अगर फोरम में होता हूँ आयशा, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग ना एक जिस तरह ये बच्चे हैं अभी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं यूथ सर्कल के लिए, मुझे लगता है कि जो हमारी बेस है पाकिस्तान की वो एक मासेस की बेस है, ठीक है. और इस तरह के जो हमारे बच्चे हैं जिनको सो कॉलों के गलत है क्लासिफाई करना, बर्गर बच्चे जो होते हैं, ये बर्गर बच्चे अपने अब बर्गर जो लोग ही हैं इस मुल्क में वो 2.5% है. बाकी के जो बच्चे हैं जो कि पूरा पाकिस्तान फॉर्म करते हैं, उनकी जो ज़ेहनी सेहत है या उनका जो एक ज़ेहनी सलाहियत है जिनको हम लोग इन्हांस नहीं करते या उनको पॉलिश हम नहीं करते, उसकी तरफ साइनएप्स का क्या कदम होगा? सो बहुत अच्छा सवाल है जो कि मैं अपने आप से भी कॉन्स्टेंटली पूछती रहती हूँ कि जो भी इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक, ठीक है हम पायलट तो कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप पे क्योंकि वो हमारे पास है, हमारी कैप्टिव ऑडियंस है, लेकिन इसको सिस्टेमिक लेवल पे हम कैसे लेकर जा सकते हैं. तो ये जो फॉर एग्जांपल अभी अनप्लग्ड का इवेंट हो रहा है एंड यू नो एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट इट, लेकिन आइडिया अगेन इज़ कि म्यूज़िक के थ्रू, बिकॉज जब आप म्यूज़िकल किसी इवेंट पे लोगों को लेकर आते हैं तो वो थोड़ा सुकून से इंजॉय कर रहे होते हैं, तो उस दौरान अगर आप अपनी बात उनको कह दें तो उनको थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाती है. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अब्सॉर्ब कर लेते हैं. सो वी आर ब्रिंगिंग मोर, द आइडिया वॉज टू ब्रिंग कि जितने ज़्यादा अडल्ट को हम ला सकते हैं और जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन कर सकते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल एंड आसिफ ने हमारा इसमें बहुत साथ दिया बिकॉज ये काफ़ी अरसे से वहाँ पे एज अ म्यूज़िक टीचर जा रहे हैं TCF के स्कूल्स में. सो TCF हैज़ अलाइंड विद अस एंड एंडोर्स विद अस. सो इंशाल्लाह दिस इज़ जस्ट द लॉन्च ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन, राइट. इसके बाद एंड बहुत सारे इनके दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलाइंड हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट. इसके बाद द आइडिया इज़ कि जो भी फंड रेजिंग कर रहे हैं इस इवेंट में उसको हम सिस्टेमिक लेवल पे हाउ कैन वी टेक इट टू स्कूल्स, और उसमें म्यूज़िक के एलिमेंट के साथ मेंटल वेलनेस की कैसे हम करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, ठीक है. नहीं, बिकॉज दैट्स द आइडिया. जब तक हमारा आर्ट म्यूज़िक द यू नो एक्टिंग एंड ये जो ह्यूमैनिटीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग करिकुलम हमारे स्कूलों में नहीं आएगा, 1+1=2 जो है हमें थिंकिंग नहीं सिखा सकती, हमें इंसानियत नहीं सिखाती है, हमें नहीं सिखाती. तो दैट इज़ द आइडिया कि इंशाल्लाह इनकी कैंपेन जो है दैट गोज़ टू द डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स हर लेवल पे, और हम अगर यू नो थोड़े से स्कूल्स लेके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा सकें कि लुक दिस हेल्प्स,
ये बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के लिए, तो देन वी कैन गेट सम मोर फंडिंग टू डू सॉर्ट ऑफ बिगर प्रोग्राम्स इन अदर स्कूल्स। एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह थोड़े दिन पहले ही हम लोग TCF के साथ शो कर रहे थे, मुझे एक इतनी अच्छी उनकी चीज़ लगी जब समर कैंप्स स्टार्ट हो रहे थे वो डिफरेंट स्कूल्स के, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स का इतना बड़ा फासला है उनकी बोल चाल में, उनकी सोच में। वो समर कैंप्स में उन्होंने उन बच्चों को मिक्स कर, अब वो जब बच्चे मिक्स हुए तो उसमें नई दोस्तियां बनी, एक कल्चरल एक्सचेंज हुआ। एक मेजर जो कल्चरल क्लैश है जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का है, आई थिंक वो बहुत आसानी से डाइल्यूट हो जाता है जब आप साथ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है डॉक्टर साहबा कि कभी भी आप अग्री करेंगे इस बात से, बच्चे कभी भी इस चीज़ को जज नहीं करते। एक यू नो व्हेन अ चाइल्ड स्पॉट्स अ चाइल्ड, उनका अगला मिशन होता है खेलना, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो लेगो हो, कोई भी हो, जितना भी बड़ा बच्चा हो, अगर कोई दो बच्चे स्पॉट करेगा। मैंने ज़ाती तौर पर ही देखा कि कभी कभी इस तरह होता है कि अगर मैं कहीं रिश्तेदार में पंजाब गया हूँ या कहीं गया हूँ, मैं सड़क पर किन्हीं भी दो लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मैं चला जाऊँगा। तो आप ये जो स्पोर्ट्स होती है, म्यूजिक होती है, इससे आप इतना ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आसिफ मुझे एक बात बताएं कि मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो उदास गाने होते हैं ये बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है। एक वक्त था मैं हर वक्त जगजीत सिंह सुनता रहता था और मेरे दोस्त कहते हैं ऐसा क्या गम तुम्हें लगा हुआ, मैं सोचता था हाँ ऐसा कोई गम तो है नहीं तो मैं क्यों सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो उदास गाने होते हैं जो कि आप अक्सर बेशतर हमारी जो बसेज हैं उसमें, रिक्शा है उसमें, टैक्सीज जो है उसमें, लोगों को यूजुअली, और जो गाने हिट भी होते हैं वो उदास गाने होते हैं, तो डोंट यू थिंक ये जो सैड सॉन्ग्स हैं एक ट्रैप होता है? ये ट्रैप तो मैं नहीं कहूँगा इसको, लेकिन आप समझें कि ज़ाहिर है उनके हालात और वाकियात कनेक्ट करते हैं। आई एम श्योर जब आप जगजीत साहब सुनते हो कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट रहे होंगे। टूटा दिल एग्जैक्टली। टूटा दिल बहुत इम्पोर्टेंट इसमें पहलू होता है, ठीक है ना। एंड 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 ऑफकोर्स इट कीप यू काम। और कौन ऐसा शख्स इस माशरे में होगा जो सुकून नहीं चाहता? इन दी एंड हम सुकून ही चाहते हैं। हमारी सारी भाग दौड़ जो कुछ है वो किस लिए, हम इस पर तो हम नहीं बात कर सकते, बट हमें इतना ज़रूर पता है डीप डाउन कि हम सुकून चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम तो सुकून चाहते हैं लेकिन चैनल ब्रेक चाहता है, वक्त हो जाता है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक। बेहतरीन नायब था, टैलेंट है आप में, हमें पता नहीं था। अच्छा, बहुत जल्द इवेंट होने वाला है साइनएप्स का, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। सो साइनएप्स का, हमारा यूथ सर्कल साइनएप्स का इवेंट है अनप्लग्ड, और हमारा कॉन्सर्ट हम कर रहे हैं। वी हैव परफॉर्मर्स हु आर 16 से 17 साल के सब हैं, एंड वो 26 को है, अगस्त 26 अभी दिस कमिंग सैटरडे,
और 8 to 10 PM का कॉन्सर्ट है हमारा. हमारे गाने सब थोड़े पुराने ज़माने के 1960s और 70s के वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों का मिक्स हमने सेटलिस्ट बनाई है. एंड हमारा पूरा इवेंट का गोल हमारे यूथ सर्कुलर साइनअप्स का लॉन्च है और गोल हमारा यूथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अडल्ट्स को पहुंचाने के लिए है ताकि उनको समझ आए कि यूथ मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जनरेशन के लिए है. बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहन भाइयों में बहुत एज का डिफरेंस होता है. कोई भाई है जिनकी उम्र 25 साल 28 साल है और उन्हीं की छोटी बहन होगी जो कि 13-14 साल की होगी. एंड यू नो व्हाट, पेरेंट्स तो सब बच्चों को एक ही तरीके से डील कर रहे होते हैं. उनके लिए तो बताते हैं बच्चों के लिए खाना आ गया, बच्चे घूमने चले गए, बट यू नो हर बच्चा एक अलग मेंटल हेल्थ सबकी डिफरेंट होती है. अच्छा, इस इवेंट के अंदर आप कह रहे कि 16 से 17 इस एज ग्रुप के सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं जी, लेकिन ये देखने तो कोई भी आ सकता है ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. प्लीज़ मैं अपना स्पॉट पक्का कर रहा था. हम तो इनकरेज करते हैं, हम तो अडल्ट्स को ही सबसे ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं कि बिकॉज ये अपने अडल्ट्स को ही मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमें तो पता है कि हमारे क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आइए और सुनिए. बच्चों के मसाइल बड़ों को नहीं पता, तो क्योंकि हम लाइक क्लिनिक तो होते हैं, तो जिस तरह वालदैन ब्रीफिंग देते हैं, जो मैं आपको बहुत सच्ची बात मैं बताऊंगा कि जो वालदैन हमें ब्रीफिंग देते हैं आके कि मेरा बच्चा ये है, ये इसकी एक्टिविटीज इसकी पसंद है इसकी नापसंद है, और जब वो चले जाते हैं फिर वो बच्चे आते हैं तो वो बच्चा वो नहीं होता जो वालदैन ने डिस्क्राइब किया होता है. सो आई मीन देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन वालदैन और बच्चों में. मेंटल हेल्थ इशू बच्चों का तो है, बट वालदैन को ये रियलाइज़ करना है, समझना है इनको. लाइक हमें बच्चों को नहीं उधर खींचना अपने लेवल पे, बट वी नीड टू कम डाउन टू ऑन देयर लेवल कि जी हाँ आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल सही, आप बताएं क्या करना है. एब्सोल्युटली, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चे को उठा लें उस तरफ, ना कि उसको अपनी जनरेशन में खींचें. और मेरे ख्याल से बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है वालदैन के ऊपर, और मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ हम जहाँ बच्चों की सही कर रहे हैं उसमें अगर किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ सही करनी है तो मेरे ख्याल से वालदैन की करनी चाहिए. क्योंकि आपको पता है, मैं आयशा रोकसाबा, मैं इतनी फैमिलीज़ को जानता हूँ. हमारे घर के करीब एक फैमिली रहती थी, उनकी बेटी थी और उनकी बेटी को क्रिकेटर बनना था और वो हमारे साथ क्रिकेट खेलने भी आती थी. और आपको पता है, अभी एक सोसाइटी अब इतने हम लोग यू नो एक देयर प्लेटोनिक रिलेशनशिप एवरीवेयर, अब दोस्त. अब वो पेरेंट्स का एक इतना बड़ा उनको शर्म थी और उनके अंदर एक इतना मसला था कि हमारी बेटी क्रिकेट नहीं खेलेगी, इसका तो होलिया बदल जाएगा और ये हो जाएगा वो. और वो बच्ची इस वक्त आपको पता है इंटरनेशनली क्रिकेट खेल रही है, एक रिबेल बनने के बाद कि किसी खाला ने सपोर्ट किया तो खाला यहाँ से निकाल के इंग्लैंड ले गई, तो वहाँ वो लड़की अपनी ड्रीम जी. मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों नहीं रियलाइज़ करते पेरेंट्स के हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और हर बच्चा इस दुनिया में किसी मकसद के तहत आया है. क्या पता उस बच्ची को इस दुनिया का एक तारीखी फीमेल क्रिकेटर बनना हो. हम लोग उसको खुद रोक देते हैं क्योंकि हमने एक पैटर्न पे अपनी ज़िंदगी गुजारी भी है. अच्छा, आपने यकीन है इस तरह के पेरेंट्स से मिली तो होंगी? अलॉट ऑफ जो मेरे पास पेरेंट्स आते भी हैं, मैं कॉन्स्टेंटली उनसे पूछ रही होती हूँ कि ये जो हैं मुझे नहीं पता क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ये फ़ोनों पर क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन सा गेम खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता. एंड आई एम लाइक, क्यों नहीं पता है? तो आप जाके पूछें ना, आप जाके चेक यू नो उनसे कॉन्वर्सेशन करें. आप चेक एंड बैलेंसेस के तौर पर नहीं करें, बट जस्ट काइंड ऑफ गेटिंग इंटरेस्टेड कि ये उनकी दुनिया है, हमारी दुनिया ये नहीं थी, ख़त्म हो गई, पुराने यू नो वो वक्त गुजर चुका है, ये इनकी दुनिया है. तो बजाय इसके कि वो आके, अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, अगर आप डर खौफ से बैठे हुए हैं कि पता नहीं इनके साथ क्या हो जाएगा, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आप उनके पास जाएं, आप उनके लेवल पे हर वक्त गेम कर खेलते रहते हैं तो आप उनके साथ गेमिंग सीख लें एंड आप उनके साथ खेल लें. अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के क्रैंकी होने से डर जाते हैं कि अगर हमने थोड़ा सा एक यू नो वी ट्राई टू सी पेन, तो वो बहुत क्रैंकी हो जाएंगे, चिल्लाना चीखना. तो कौन सा बच्चा है, ये तो बच्चों की नफसियात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है. कौन सा बच्चा है जो पेरेंट्स की इंटरेस्ट नहीं चाहता या पेरेंट्स का टाइम नहीं चाहता है? मसला ये है कि पेरेंट्स अब बच चाहते हैं कि बच्चे उस तरीके से टाइम गुजारें जैसे वो उनसे गुजरवाना चाह रहे हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? सो अगर आप एक बच्चा जिसको म्यूज़िक का शौक है और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं तुमने स्विमिंग ही करनी है, तो दैट्स दैट देन ऑफकोर्स वो क्रैंकी होगा ना. बच्चा वो कहेगा आप आके सुने तो सही, मैं क्या म्यूज़िक मैंने क्या क्रिएट कर लिया है और ये हो गया है. और मैंने अब आजकल के जो बच्चे हैं, टू ऑफ द किड्स जो इनके साथ
17-year-olds जो इनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक ने Spotify पे रिलीज़ भी कर दिया अपना सिंगल, और उसकी जो टीम है वो कोई हॉलैंड में बैठी हुई है, कोई यहाँ बैठी हुई है, यू नो, दूसरा बच्चा जो है वो भी कोई अमेजिंग किस्म का आई थिंक रैप और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया म्यूज़िक को यूज़ करके करता है, एंड यू नो, एंड दे बोथ नॉट इंटरेस्टेड इन स्कूल, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर फैंटास्टिक एट इट. सो अगर आपके पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं प्रमोट कर रहे और वो उसी टेंशन में कि एक ही डगर है, वही ओ लेवल ए लेवल मैट्रिक के एग्ज़ाम देने, वही ग्रेड्स लेकर आने, बिग डिसर्विस टू द किड्स. और फिर वो होते हैं कि बस हमारी कुर्सी पे बैठना है, तुमने यही तो काम करना है. आपको पता, मैं भी जब व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल, आई वाज ओनली इंटरेस्टेड इन ईटिंग. मतलब मेरा सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट होता था वो कैंटीन होता था. अच्छा, कैंटीन में दोस्तों के साथ आई वुड स्पेंड टाइम. लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी बात है. आपको पता है डॉक्टर साहब, ज़ाती तौर पर मैं बता रहा हूँ, टू ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई ओ लेवल्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर दी थी. एक मेरा दोस्त था, वो जंप्ड ऑफ अ बोट राइट इन द मिडल ऑफ द सी. एक मेरा दोस्त था, वो जंप्ड ऑफ अ बिल्डिंग. एंड यू नो व्हाट, हम लोगों की जनरेशन पिछली जनरेशन है, और प्रेशर क्या था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, फैमिली प्रेशर था, विच मैंने खुद देखा. एक दोस्त उनमें से कोई था जो आई थिंक ओ ए लेवल में मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता था, और वो पेरेंट्स को लगता था कि उनकी ज़िंदगी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग हो जाएगा. बिल्कुल, आप समझ रही हैं. तो ये मुझे लगता है कि हमें बच्चों की जो अब बच्चे जब इस कैफियत से गुजर रहे होते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स की आंखों में अभी तक हीरो क्यों नहीं बने. पड़ोसी का बच्चा तो अपने पेरेंट्स की आंखों में हीरो बन गया है, मेरी खाला और चचा का बच्चा जो उनके आंखों में एक हीरो है, हम नहीं बन के. और ये जो मवाजना होता है, एक ऑन गोइंग कंपेरिजन होता है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा. एंड आई डोंट वांट टू, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सेंसेशनलाइज नहीं करना चाह रही, बिकॉज वो हो जाता है कि आप जैसे ही यू नो सुसाइड की बात करें या उसकी बात करें, लेकिन पाकिस्तान में फॉर पीपल अंडर 30 सुसाइड इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, राइट. सो और हर शख्स या यंग अडल्ट या बच्चा जो कि सुसाइड से यू नो से उसकी डेथ होती है, उसी के लिए देर आर 10 जो कि एक्टिवली सोच रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, और 100 जो पैसिवली सोच रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, वो काश पैदा ही नहीं हुए होते. तो वो आप देखें कि वो जो 100 बच्चे हैं जो कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए, उनका क्या पोटेंशियल है, वो क्या मतलब यू नो वो किस किस हद तक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो क्या क्या दे सकेंगे जो उनका पोटेंशियल है, जो टैलेंट है. एंड यू नो सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ें, यही कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए इन्होंने एक ये इसके साथ लॉन्च कर रहे हैं कि एक ओपन कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, डिस्कोर्स शुरू होना चाहिए. डर खौफ से कभी कुछ बात चेंज नहीं आता. और मेरे ख्याल से इस तरह के जो फोरम्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, नई दोस्तियाँ होती हैं, और जब आपको लाइक माइंडेड दोस्त मिलता है, आई थिंक दोस्त एक आपका बहुत बड़ा सहारा होते हैं. और अगर आपको लाइक माइंडेड अच्छे दोस्त मिल जाए, तो आई थिंक आपकी ज़हनी सेहत सबसे बेहतरीन अच्छे दोस्तों के साथ होती है. और अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपकी तरह से सोचते हैं. 26 अगस्त को शाम 8 बजे से लेके 10 बजे तक PICC में ये शानदार शाम होगी, कॉन्सर्ट होगा, आप लोग जरूर आएगा. डॉक्टर साहब, टिकट्स कहाँ से लें? टिकट्स वहाँ पे भी मिल रहे हैं, लेकिन टिकट्स चूँकि PICC में है तो थोड़ा आई थिंक 250 की सिर्फ कैपेसिटी है. तो अगर किसी को लेना है तो एक नंबर्स भी, हाँ, साइन अप्स कि आप वेबसाइट पे जा, सॉरी फेसबुक पेज पे हैं, और YCS के आप इंस्टाग्राम पेज पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप करेंगे एंड विल सेंड इट टू योर डोरस्टेप. और PACC में भी वहाँ पर भी टिकट्स अवेलेबल है. ज़बरदस्त. तो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात हम सब की होगी 26 अगस्त को PACC में शाम को 8 बजे. अनप्लग्ड कॉन्सर्ट का नाम है, और ये यंगस्टर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक आपको सुनाएंगे, और कुछ बातचीत भी डेफिनेटली वहाँ होगी. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डॉक्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू डॉक्टर साहब. यू नो यू ऑलवेज टेक मी डाउन द मेमोरी लेन. वक्त हो जाते हैं छोटे से ब्रेक का. खवातीन और आज़ाद मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं. वक्त हो जाता है हेल्थ एंड फिटनेस का, और बहुत देर से हमारा और आपका इंतज़ार कर रहे हैं योगी वजाहत. तो चलें उनके पास चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं योगी वजाहत. कहते हैं कि दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का भी और अपना भी,
जी हाँ, बाज़ दफ़ा हम अपना दिल इतना दुखाते हैं कि दिल दुखते दुखते एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, लेकिन दिल का दर्द जो है वो बहुत ही नुकसानदेह है, और उसके लिए आपको ज़ाती तौर पे मैं कहूँगा कि डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए कि जी हाथ में दर्द हो रहा है, अगर इस साइड पे दर्द हो रहा है और बार बार आपको दर्द हो रहा है, खिंचाव सा हो रहा है, तो दिखा दीजिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको तो अपना और भी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मुतबादिल तरीक़े इलाज की या एहतियात की, जिसको हम कहते हैं योगा, और उसके साथ साथ मिला हुआ है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा दिल के अमराज को हृदया रोग कहते हैं। हृदया कहते हैं दिल को, रोग कहते हैं बीमारी को। तो हृदया रोग दिल के अमराज, इसमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और मैं इस वक्त देखने वालों को भी कहूँगा, अपने नाज़रीन को, कि अगर आपके जानने वालों में या खुदा खास्ता आपको कुछ ऐसा लगता है कि पल्पिटेशन हो रही है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत जल्दी आप इफ़ेक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से और दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो ये बहुत पहली अलामतों में से एक होगी कि आपको एहतियात रखनी होगी। दूसरी बात, आपके ऑक्सीजन की मकदार कितनी है, तो अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है तो आप चेक कर लिया करें कि आपकी ऑक्सीजन कितनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जो है वो फिर बहुत से मसाइल के साथ साथ एक और भी मसला पैदा करेगी, जिसमें दिल का भी नाम आता है, यानी हृदया रोग भी है। सो पहले तो यह है कि दिल ना दुखाएँ, चाहे वो किसी का भी हो। दूसरी बात यह है कि दिल के हवाले से कुछ एहतियातें हैं। योग एक मुद्रा बताता है जिसको हृदया मुद्रा कहते हैं। ये बहुत कमाल का मुद्रा है। शहादत की उंगली को अगर हम थोड़ा सा अपनी हथेली की तरफ मोड़ लें, अंगूठे को वापस लाएं इस तरह, और दोनों उंगलियों को इस तरह हम टच कर लें, तो ये मुद्रा बनता है, इसको कहते हैं हृदया मुद्रा, दिल का मुद्रा। अब इस मुद्रे को, यानी इस लॉक को जो मैंने हाथ से बनाया है, वो कैसे मैं आराम से यहाँ ला के रख दूँगा, ठीक है। अब इस हाथ को भी मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें कि हम इसको रखेंगे कहाँ। यहाँ ऐसे रखना है, आराम से इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। फ़र्ज़ कीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो हमने एक हाथ से मुद्रा लगाया हुआ है। मुद्रा कहते हैं लॉक को, जब कोई चीज़ यूं लगा दें और बीच में से लॉक हो जाए, इसको कहते हैं मुद्रा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हैं, 40 तो बड़े आराम से हैं। इस पर पाकिस्तान की सबसे पहली किताब, यानी हाथों का अंदाज़ जो है, मुद्रा योगा में हाथों का अंदाज, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखी है, पूरे पाकिस्तान में ये जाती है, लोग पढ़ते हैं, तो इसी का ये मुद्रा मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से यूँ बैठ गए जी और टच कर लिया। इसके फ़वाद क्या हैं, इसका औकात जो है, इसके दौरानिया कितना होना चाहिए, कम से कम 45 मिनट आप इसको कीजिए डेली। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो वक्ता वक्ता थोड़ा थोड़ा ब्रेक के साथ, वक्फों के साथ कर लीजिए, लेकिन दिन का दौरानिया तकरीबन होना चाहिए 40-45 मिनट, और एक साथ ना करें, जैसे मैंने कहा वक्फे से कर लीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक हाथ से काम कर लिया, एक हाथ से आपने ये मुद्रा लगा लिया। अगर आप गाड़ी खुद नहीं चला रहे, बैठे हुए पीछे, तो ये लगा के बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ एहतियातें रखनी होंगी, जिसको हम योग के हवाले से भी कहते हैं, बड़ा कमाल का मुद्रा है, आसन है अपनी जगह, लेकिन ग़िज़ाओं में आपको बहुत एहतियात रखनी होगी और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करते रहना पड़ेगा। चिकनाई की बात अगर हो रही है तो उसका हल हमारे पास आयुर्वेद में यह है कि हम गुनगुना नीम गर्म पानी पीते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये नुकसानदेह है। बराए मेहरबानी मटके लाइए, वो जो मटके बनाने वाले हैं वो भी बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए या जा रहे हैं, तो उनको भी ज़िंदा रहना है। आप उस कुमार को भी ज़िंदा रखिए, अपनी सकाफत को भी ज़िंदा रखिए, सुराही ले लीजिए, मटका ले लीजिए और उसका पानी पीजिए। वो पीएच लेवल पे बहुत बेहतरीन होता है, लिहाजा आपको पानी की सफाई और उसके पीएच लेवल पे परेशान नहीं होना होगा अगर आप मटके का पानी पीते हैं। तो आपने सादा पानी पीना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा नीम गर्म सा हो तो बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो पहले हमने लगाया मुद्रा, अब इसका कुछ आसन है, पोस्चर्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और उनमें से एक जो आसन है वो तो बहुत ही सिंपल है, इसको कहते हैं सुखासन। दिल के मरीजों को चाहिए कि वो कभी ना कभी शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, दिन के वक्त, जब उसको मौका मिले, आराम से बैठें, कमर सीधी रखें और बिल्कुल रिलैक्स हैं। और इस रिलैक्सेशन में क्या करें, सांस लें और फील करें कि एनर्जी आ रही है, पूरे जिस्म में गई, और फिर आप जब एक्सहेल करें तो फील करें कि बॉडी में से तमाम नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग थाट्स, तमाम नेगेटिव थाट्स जो हैं वो निकल के यूनिवर्स में जा रहे हैं। फिर यूनिवर्स से एनर्जी लें
और फिर अपने जिस्म के अंदर कुछ देर रखें और फिर निकाल दें। लेकिन जो दिल के मरीज़ हैं उनको कम भाग या होल्ड नहीं करना, सांस लेने के बाद रोकना नहीं है, निकालने के बाद रोकना नहीं है। तो ये एहतियात रखिएगा, सांस लीजिए, उसको जिस्म में पूरी तरह लेके जाइए, भरिए और निकाल दीजिए। अब आइए एक और सिंपल एक्सरसाइज है जो कि बैठे बैठे होगी और ये बहुत लाइट एक्सरसाइज है, ठीक है। आपने क्या किया, अपने दोनों हाथों को इस तरह रखा, ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये ताइची से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है रादर देन योगा के। आराम से हाथों को यूँ रखें, एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाएं। आप देखें कि हाथ एल्बो नीचे नहीं है, बिल्कुल लेवल पे, और निकालते हुए इसको ये इनहेल है, ये एक्सहेल है। इसको 5-10 दफा कीजिए, आप हाथ खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक तरीका है वो आपको मिलेगा विक्रम योग में, और ये बहुत कमाल का है। ये उन तमाम लोगों के लिए भी अच्छा है जिनको अपना वोकल कॉर्ड्स या अपना गला सही करना है, उनको गुलकार हैं, फनकार हैं, बोलते बहुत हैं, टीचर हैं, असाज़ा हैं, उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन जिनमें ऑक्सीजन की कमी है उनके लिए भी अच्छा है। इस तरह हाथ मिला लीजिए, सांस लेते हुए दोनों एल्बो को ऊपर कीजिए और गर्दन को नीचे कर लीजिए। सांस निकालते हुए हमने ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए जितना गर्दन सीधी कर सकते हैं सीधे करके एक्सहेल कीजिए देर तक। फिर सांस लीजिए, फिर सांस निकालिए, जिन लोगों को सर्वाइकल है ऑलरेडी उनके लिए मुनासिब नहीं है ये, वर्टिगो वालों के लिए तो मुनासिब हो सकती है, थोड़ी सी वर्टिगो में भी नुकसान ही करेगी क्योंकि चक्कर आएंगे, लेकिन गर्दन के अमराज में इसको इस तरह ना कीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो फिर क्या तरीका है, बहुत आसान है, और ये भी नहीं होता तो फिर यूं कीजिए, अस्थमा के मरीज़ के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि वो जितनी सांस निकालेंगे उनको उतनी ही सांस बेहतर तौर पर लेने का मौका मिलेगा। आइए इसमें हम एक और आसन करते हैं, क्योंकि ये डेडमैन पोज है, बिल्कुल आराम से लेट जाने का पोज है, लेकिन मैं इस वक्त इतना तो नहीं करूँगा कि आप बिल्कुल लेट जाएं क्योंकि आपने बहरहाल शो को आगे भी देखना है। तो आप क्या करें, इस तरह बैठें, कोई कुशन पीछे लगाएं और आराम से इस तरह ढीला छोड़ दें, अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। और अगर आप लेट सकते हैं शवासन में तो लेट जाएं, बिल्कुल लेट जाएं। लेकिन जब आप लेट जाएंगे तो फिर आपने एक जो प्रोसीजर करना है उसको कहते हैं योगा निंद्रा, मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। आराम से लेट जाएं और दोनों घुटनों को फोकस करें बंद आँखों से और फील करें कि आपके घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। फिर उन घुटनों के बाद अपने तलवों पर आ जाएं, फिर हील पर आ जाएं, उसके बाद फील करें कि आपके जो घुटने हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, फिर हिप, उसके बाद नेवल एरिया, फिर आपका हार्ट रीजन, ठीक है, उसके बाद आपके शोल्डर, शोल्डर के बाद अपने एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, इसको कर लिया, फिर दोबारा शोल्डर से ऊपर आए नेक पे, नेक के बाद आइए चिन पे, लिप्स, नोज, आईज, एयर, फोरहेड एंड स्कल्प। अब ये लेटे लेटे करना है आराम से, जितनी चीज़ें बार बार अगर भूल जाएँ घुटने को तो ये नहीं कि कूले के बाद फिर घुटने पे आ जाएं, चलना वापस है, इसको कहते हैं योगा निंद्रा। नेट पे जाइएगा, बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा योगा निंद्रा। जिन लोगों को हार्ट का मसला है, जिनको स्ट्रेस का मसला है, उनको अपनी ज़िंदगी में योगा निंद्रा, नींद, योग की नींद डालिए, एक तो आपकी नींद अच्छी हो जाएगी और आपको जो अमराज हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ जाना होगा। सेब का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, सेब का मुरब्बा ले लीजिए, और इसके साथ साथ हम योग में आंवले का मुरब्बा ज़रूर लेते हैं, आंवला लेते हैं, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। इसी के साथ साथ आंवला भी है इसमें हमारा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आंवला और सेब दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई महंगाई में क्या ये आप बता रहे हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सादा चीज़,
आप सांस लेने के अमल को बहुत वाजे कीजिए, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस निकालिए। इसके साथ साथ डेली एक रूटीन बनाइए कि आप कहीं जाके पार्क में बैठें, थोड़ी देर बैठें, नेचर को देखें। आज जो दिल के अमराज हैं उनमें एक और वजह जो बड़ी है वो ये है कि हम नेचर से कट रहे हैं और हम जो कंक्रीट का जंगल है उसके अंदर बैठ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत से मसाइल होते हैं। तो आज यहीं पर हम अपनी बात को इख्तिताम देते हैं। आज जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैंने आपको बताई है योग के हवाले से, वो योग का मुद्रा है और एक ब्रीदिंग है जिसमें गहरी सांस लेनी है और सांस को निकालना है। इसके कई तरीके हैं जो कि मैंने आपके सामने बताए, लेकिन अगर आपको कोई तरीका भी याद ना रहे तो ये तो याद रहेगा कि सांस लेना है, और जब सांस लेना ही है तो सांस को ज़रा गहरा ले लीजिएगा। बस यहीं पे मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ है हमारी किचन क्वीन शेफ नोरीन। वाओ दैट राइम्स, ये तो पोएम बन गई। किचन क्वीन शेफ नोरीन जी खाने में बनाएंगी कुछ नमकीन। एंड वाकई नमकीन ही है। यस रियली। और आज आप बना रही हैं गाजर का हलवा। अगर आप अगर शायद भी आप बोल देते तो मैंने पहले ही बोल दिया। गाजर का हलवा तो नहीं हो सकता, मिर्च तो नहीं डलेगी। हाँ नहीं, मैं आज डिफरेंट बना लूंगी ना थोड़ा। क्या? थोड़ा खट्टा मीठा। मैं आपको एक इतनी अजीब सी बात बता दूं। मैं ना एक दफ़ा शूट करने टोक्यो गया जापान ना, तो अब वहाँ पे मैं शूट करता, कोई 10 साल पुरानी बात है। अब वहाँ पे एक स्वीट डिश थी जिसके अंदर सोचे क्या डाला हुआ, मिर्चे नहीं पेन चिलीज चिकन। ओ वो क्या था सर वो? और ये कितना अजीब, कोई एक पाइनएप्पल की कोई पुडिंग टाइप की चीज थी वो चिकन चंक्स ना। ओ तो कैसा था वैसे? अजीब सा था। अजीब ही होगा, ऑफ कोर्स अजीब होगा। अब नहीं, अब वो मैंने जब खा रहा था तो उसके अंदर अभी एक चुई सी कोई चीज आ गई जो चबा रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज है, उससे पूछा मैंने कहा व्हाट इज इट, कहा चिकन। मैंने कहा इसमें क्या बना रही है आज आप, आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, वो सामने कॉफी रखी आपकी और इतना अच्छा सा काउच है, सोफा है, आप आराम से जाके बैठिए। बाय। लेकिन सुने मैं बता दूं मैं क्या बना रही हूँ। क्या बना रही? मैं बना रही हूँ वेजी चिकन लॉलीपॉप्स। वेजी चिकन लॉलीपॉप। हाँ। मैं आपको एक बहुत अच्छा मशवरा दूं, इसमें से वेजी निकाल दें। तो फिर बचा क्या? चिकन लॉलीपॉप। हेल्दी, हेल्थ इज वेल्थ असर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन वेजी लॉलीपॉप्स, ठीक है। अच्छा लॉलीपॉप्स के लिए जो है मैंने ये, मैं आपको बता दूं दूसरा जग किधर गया, ये जो है देखें, ये मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक्स जो होती है ना, पॉपसिकल्स, पॉपसिकल स्टिक्स जो होती है वो मैंने इसमें भिगो के रखी हुई है लाइक 2 आवर्स से। इससे क्या होगा, अगर आप लोग फ्राई करेंगे या ग्रिल करेंगे वट एवर, स्क्यूवर्स हो गए या ये चीज़ हो गई पॉपसिकल्स एंड, तो अगर आप इसको पानी में थोड़ी देर डिप करके रखेंगे 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा, अगर आपके स्क्यूवर्स जलेंगे नहीं, बर्न नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको अगर हम फ्राई भी करेंगे तो भी वो बर्न नहीं होंगे, सही रहेंगे क्योंकि ये पानी में भीगे हुए हैं, ठीक है। ये इसकी एक टिप थी। और दूसरा जो हम आज बना रहे हैं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें हमें 4 अंडे चाहिए, ठीक है, वो हम उसको अलग से हम बीट करेंगे। अच्छा, इसमें चावल का आटा है 1 कप, इसको हम इसका लई बना लेंगे, जैसे हम बैटर बनाते हैं ना, इस तरह से बैटर बना लेंगे, ठीक है। 1 कप प्याज जाएगी इसके अंदर, 1 कप उबली हुई चिकन है, 1 कप हमारी हरी प्याज है जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं वो है, लीमू का रस है, काली मिर्च का पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको तवे पे रोस्ट कर लिया था, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, और ये मस्टर्ड पेस्ट है, दूध है, हरा धनिया है, गाजर है, एक हमने 1 कप ली, 2 गाजरें 1 कप बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करके सबको चॉप करना है, ठीक है, और इसमें शिमला मिर्च है, तो ये और आलू जो है, आलू हैं मैंने इसमें 4 बड़े आलू ले लिए थे, उनको बिल्कुल मैश कर देना है, उसमें कुछ नहीं डालना, उनको सिर्फ मैश करके रखना है, फिर हमने सारी चीज़ें उसमें मिक्स करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त एपेटाइज़र होता है, मतलब आप शाम के जो टी स्नैक्स होते हैं, अक्सर क्रेविंग्स होती हैं कि हम शाम को क्या खाएं, कोई समोसे मंगा लेता है, कोई पैटीज मंगा लेता है, कोई सैंडविचेस हो जाते हैं, मतलब जो भी, तो आप ये भी बनाएं, सैंडविचेस भी बनाएं, और ये ज़रूर बनाएगा, छोटे छोटे ये मीट बॉल्स की तरह बनते हैं, चिकन बॉल्स बिल्कुल क्रिस्पी। और इसके साथ जो है मैं जो इसमें ऐड करूँगी वो है ये क्रम्स, ठीक है, और ये है वर्मिसली, इसका मैंने बिल्कुल इस तरह से तोड़ लीजिए, तोड़ दिया है, ठीक है, इस तरह से क्रम्स बन जाएगा इसका। फिर हम आलूओं के अंदर हम सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे,
और आपका जितने मसाले उनको मिक्स करेंगे, अंडे इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, अंडा एक जाएगा, बाकी हम उसमें डिप करके फिर हमने इसमें लगाना है, फिर हमने इसमें करके हमने उसको डीप फ्राई करना है। आप डिपेंड एंटायरली अप टू यू, आप लोग छोटी बॉल्स बनाए या बड़ी बॉल्स बनाए, या फिर आप लोग वो जो हम लॉलीपॉप्स की ड्रम स्टिक्स की हम शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम आ जाते हैं। अच्छा, प्री हीट करने हम रख देते हैं ऑयल को, हमने हल्के उसको प्री हीट कर दिया। ये मुझे आलू दे दीजिए प्लीज, थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी, हमारे आलू आ गए, देखें हमने बिल्कुल इस तरह इसको मैश कर लिया था, तो हम ये इसके अंदर डाल देंगे। इस बोल के अंदर आलू को हमने डाल दिया, ठीक है, हमने ये आलू डाल दिए इसके अंदर। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होगा इसका जब हम इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं या मैश कर सकते हैं मैशर से, ठीक है। अच्छा, ये हमने आलू इसमें ऐड किए, ये चिकन हमारे पास श्रेडेड है, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, बॉइल्ड। मैंने उबालते वक्त मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ना मैंने नमक ऐड किया, ना मैंने कोई चीज़ ऐड करी, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर जाएंगी, ये प्याज है मेरे पास, ये एक बिल्कुल फाइनली चॉप्ड, ये इसके अंदर जाएगी, हम ये यहाँ पे रखते रहते हैं। अच्छा जी, सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर जाएगा, काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा, नमक हसबे ज़रूरत, मैं इसमें 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर जाएगा, सोया सॉस इसके अंदर जाएगा, और ये है गाजर, ये इसके अंदर जाएंगी, शिमला मिर्च इसके अंदर जाएगी। बहुत मज़े का यमी सा ये बनता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये हरा धनिया इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ठीक है, और आपका ये मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, और ये है लीमू का रस, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 1 टेबलस्पून, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके साथ मैंने बनाया था रायता, ठीक है, हरा धनिया लिया था मैंने एक पाव के करीब, दही लिया था, हरा धनिया मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने दही ऐड किया था उसके अंदर, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया, लहसुन के जवे 2 से 3, और आपका हरी मिर्चें 2, नमक, और बस ये करके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। चलें जी, ये देखें हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, क्योंकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे या पैटी बनाएंगे, वॉट एवर कुछ भी बनाएंगे, तो उसमें बिल्कुल रच जाएगा हर चीज़, मसाले वसाले सब चीज़ें। अच्छा, नींबू थोड़ा सा मैं ये रेड चिली पाउडर और ऐड करूँगी, अगर कुछ आलू के चंक्स रह जाएँ तो आप उनको मैश कर सकते हैं अपने हाथों से, ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि फिर वो हाइजेनिक होता है बहुत ज़्यादा, अगर ग्लव्स नहीं पहनेंगे पर अनहाइजेनिक होता है, क्योंकि नेल्स बड़े हुए होते हैं, किसी के नेल कलर लगा हुआ होता है, तो डू वेयर नेल कलर हो, नेल्स बड़े हो, लेकिन अपने ये ग्लव्स ज़रूर पहना करें किचन में स्पेशली। चलें जी, ये हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरीके से, हम यहाँ से चीज़ें, अच्छा ज़ीरा है थोड़ा सा ये हम डाल देंगे, और अच्छा ये हरी प्याज है, ये इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ठीक है, ये हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं अपना काउंटर, ये हम चीज़ें हटा देते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि ये है मेरे पास राइस फ्लावर, ठीक है, ये है मेरे पास राइस फ्लावर, इसका मैं थोड़ा सा बैटर बनाऊँगी। चले जी, ये मैं लिया पानी, इसको हम हल्के हाथों से पानी डालेंगे, और इसका थोड़ा सा बैटर बनेगा, लाइक इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, बस इतनी हो कि वो कोट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह भी ना हो, मतलब गाढ़ा सा हो, एक जैसे सूप होता है इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी इसकी। ये बेस्ट एपेटाइजर होते हैं, बेस्ट ये बिल्कुल शाम के टी स्नैक्स जो होते हैं ना, क्रेविंग जिसको होती है वो, ये शाम को चाय के साथ खाएं या स्मूदीज बनाएं या जूसेस के साथ लें, ओ यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। इसके साथ मेयो, आप मेयो चीज़ बॉल्स बोल सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो, इफ़ यू आर चीज़ लवर्स, तो आप लोग इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, चेडर चीज़ या मोज़रेला, लेकिन मोज़रेला ऐड कीजिएगा, वो मोज़रेला इतनी मेल्ट नहीं होती, बहुत स्टिकी सी होती है, बाकी चेडर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, तो आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया,
अब हम यहाँ अपने ये जो है हमारे पास एग्स रखे हुए, ये मैं तोड़ती हूँ। अच्छा, ये मैं एक एक करके तोड़ूंगी, कुछ नहीं पता अंडा कोई ख़राब निकल आया, हम एक साथ डाल दें तो फिर ये हो कि सारे अंडे जो बाकी के हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। ये हमने एक इसमें डाला, ठीक है, हमने दूसरा अंडा लिया, ये हमने इसमें तोड़ा, फिर हमने इसमें डाला, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक साथ अंडे तोड़ तोड़ के एक ही बोल में डाल रहे होते हैं, तो अगर एक ख़राब हो गए तो आपके सारे अंडे। चले, इतने में ये अंडे तोड़ती हूँ, ठीक है, ये हो गया, ये हमने टोटल लिए 4 eggs, ये हमने 4 eggs लिए हैं, और ये हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको हम जल्दी जल्दी हम इसको बीट करेंगे इस तरीके से। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क, ठीक है, अंडों में मैंने थोड़ा सा मिल्क डाला। आप लोग सोच रहे होंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स तो नहीं बना रहे, लेकिन मिल्क से थोड़ा सा अच्छा सा और टेस्ट आ जाएगा आपके बैटर में, क्योंकि हम जब इसको कोट करेंगे एग एंड मिल्क बैटर में तो ज़रा और भी मज़ेदार टेस्ट आएगा जो बॉल्स हम बना रहे हैं। चलें जी, ये हो गया, अब आ जाते हैं हम अपने इसकी तरफ, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं दोबारा इस तरीके से, ठीक है, ये हम इसको वो करते हैं, और हम ये देखें इस तरीके से हमने इसकी बॉल्स बनाई, यूं करके बॉल्स, और हम जो मैंने आपको कहा था पॉप्सिकल्स जो मैंने रखी हुई हैं ये हम निकालेंगे, हम इधर रखेंगे। चलें, आप इतने हम ये बैटर को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्ट्राइक, एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं दो शानदार पाकिस्तानियों से, बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती हैं, होम शेफ्स हैं, और इनका नाम है खाउसे एक्स, खाउसे एक्सट्रीम, एंड आई लव खाउसे। हमारे साथ हैं नाज़िश फजलुर रहमान और नबीहा रहमान, और मैं हूँ असफर अहमद। कल हमारे साथ थी असमा रहमान, ये कितना कॉमन होता है। चले, एक बड़ी अच्छी बात है, वेलकम टू द शो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं खाउसे एक्सट्रीम शुरू कैसे हुआ? अच्छा, खाउसे एक्सट्रीम इस तरह शुरू हुआ कि मामा को बहुत शौक था कि कुछ प्रोडक्टिव करना, यू नो वो स्टीरियोटाइप्स होती है कि औरतों ने काम नहीं करना, वो उससे हटना था, तो इनकी एक इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसे ट्राई की कि ये कर लें वो कर लें, बट आई थिंक इतना कन्वीनियंट नहीं था, तो इनकी एक कज़न ने सजेस्ट किया कि आप होम शेफ बने फूड पांडा पे, बिकॉज अगेन आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी एक साइड इनकम भी शुरू हो जाएगी, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो लेकिन आपने शुरू ही सोचा कि खाउसे से करेंगे, ये कुछ कुछ और भी हो सकता था, आप केक्स बना सकते थे, खाउसे क्यों? खाउसे इसलिए हमने शुरू किए कि ये मेरी डिश बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी। अच्छा। जब मेरे घर में कोई दावत होती थी या कोई इवेंट होती थी, जब मैं ये बनाऊँ ना तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता था, सब कहते थे कि ये आपकी ऐसी डिश है कि हमने ऐसे खाउसे कभी नहीं खाए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसी को मुझे अपना करियर करके शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छा। लेकिन सॉरी, खाउसे जब आप बनाती हैं तो चिकन या बीफ किससे बनाती हैं? चिकन मेरा बोनलेस होता है और मेरी कोकोनट करी होती है जो मैं बाहर से इंपोर्ट करती हूँ, कोकोनट पाउडर। असल बेसिक चीज़ ये होती है। तो बहुत महंगा नहीं जाता आजकल तो सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है, बाहर से कुछ इम्पोर्ट होगा तो आधा दिल तो वहीं रुक जाता है। बस ये कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए कि मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। शौक का तो कोई मोल नहीं जी, जी। ये बात अच्छा, मुझे बात है, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, मुझे बात बताए, घर वालों का एक इमीडिएट रिएक्शन होता है कि भाई अब घर की जो खातून है वो ऑफकोर्स घर के कामों में जती भी होती है ना, देयर वेरी बिजी एट होम, और वो जब वो बिजनेस शुरू करती है तो एकदम से एक उनकी अटेंशन सारी वहाँ चली जाती है। बिल्कुल। तो घर वालों का पहला रिस्पांस कैसा था कि भाई अब तो बिल्कुल बिजी हो गई, वक्त ही दे रही। बिल्कुल, मैं इतनी बिजी हो गई थी, इतनी बिजी कि मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे मैनेज होगा, घर के काम कैसे होंगे, ये कैसे मैनेज होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएटली आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि आप जो है ना मतलब मैनेज हो जाता है। शुरू में प्रॉब्लम होती है लेकिन बाद में जो है ना आप सेटिंग सब सेट हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं वो कौन सा वक्त है रबिया जब आपने स्टेप इन किया? अच्छा, जब आपको लगा कि पैसे आ रहे हैं तो मैं मांगू क्यों उम्मीद से? आई थिंक
एक तो ये था कि अगेन वो घर वालों की बहुत सपोर्ट थी, बट आई मीन किचन सब मैनेज करना, फिर ऑर्डर्स मैनेज करना, वो थिंग वो मतलब उन पर ज़रा बर्डन हो रहा था. तो आई वाज लाइक कि मैं भी ज़रा कंट्रीब्यूट करती हूँ. तो अब हमने डिपार्टमेंट्स जो है ना वो डिवाइड कर लिए हैं, लाइक किचन के हेल्पर्स या कोई भी किचन का जो काम होता है वो ये डील करती हैं, और जो सारे सोशल्स होते हैं, क्लाइंट डीलिंग, क्वेरीज, वो सारी मैं डील करती हूँ. अच्छा, हाँ. कभी क्लैश होता है? नहीं, क्लैश नहीं होता. आई थिंक हम लोग अपना करते उनको हैं. बोलने दो. नहीं, क्लैश नहीं कभी होता. तो होता होगा. नहीं नहीं, क्लैश नहीं होता. बहुत ज़्यादा सपोर्ट बहुत है मुझे, फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, मेरी हस्बैंड की बहुत है, और मेरी कज़न है सना हारिस, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उसकी वजह से जो है ना, मतलब उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया. लेकिन मुझे बात बताएं, नाज़िर सना हारिस से अपना शेयर तो मांगती होगी कि देखो आइडिया तो मेरा था, अब तुम इतने पैसे बना रही हो, मुझे कुछ तो भिजवाओ. नहीं नहीं, शेयर नहीं मांगती, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैंने इसको बोला. इसके पास एक मतलब वो थी, स्किल थी, तो इसने अवेल किया है. और फूड पांडा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. आई थिंक फूड पांडा ऑफ कोर्स बहुत ही बेहतरीन, आई थिंक हाउस होल्ड नेम है. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जब मैं एक चीज़ बना रही हूँ, ठीक है ना, मेरा सारा बनाना फोकस है मेरा कि मैंने बनाना है. और फूड पांडा ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो लोगों को डिलीवर करता है, और 25 मिनट्स में उनके घर में वो खाना डिलीवर करता है, गरम गरम खाना. ये कितनी ज़रूरी, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म. और मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ खबरदार रात की जब बारिश हो रही हो या अगर शहर में किसी किस्म की इमरजेंसी नाफिज हो, तो प्लीज़ हमें अपने फूड पांडा के राइडर्स का भी ख्याल करना चाहिए. वो देर सवेर हो जाती है. अब मैंने लोगों को देखा इतने ज़्यादा बदतमीजी और रूडनेस से कभी कभी पेश आ रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. यू शुड हैव अ हार्ट. ये लड़के बेचारे और इवन लड़कियां भी कभी कभी खाना डिलीवर कर रही होती हैं सर्विस के थ्रू, तो प्लीज़ यू शुड बी ट्रीटिंग देम विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी. उसे प्यार मोहब्बत से पेश आइए. होम शेफ्स का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जो कि फूड पांडा ने उसको बहुत ही ज़्यादा पजीराई दी है, और बहुत सारे होम शेफ्स हैं जो कि फूड पांडा की एप्लीकेशन पे मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एक तो जरिया माश भी डेवलप हुआ है, बिजनेस डेवलप हुआ है, और इतने मज़े मज़े के खाने लोगों को खाने को अब मिल रहे हैं. आप मुझे एक बात बताएं, कभी आपको इस बात से एक सोच तो आती होगी कि कोई और जब खाउसे वाला ब्रांड आता है बताएं ना. जी जी जी. हाँ, खाउसे वाला जब कोई ब्रांड आता है तो ये कि मुझे होता है कि वो क्या कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ. मैं कहती हूँ कि वो भी अच्छा काम कर रहे और मैं भी अच्छा काम कर रही हूँ. सबको आपको अब मिलना चाहिए, बिजनेस में सब कर रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे कोई उससे वो जेलसी फील नहीं होती. बस ये कि मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है. खवातीन हजरात, फूड पांडा होम शेफ छोटे कारोबार की सहूलत देता है, पाकिस्तान में तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रहा है. फूड पांडा से तकरीबन 5,000 होम शेफ्स काम करते हैं, और ये पाकिस्तान के हर बड़े और छोटे शहरों में अवेलेबल हैं. पिछले 3 साल से होम शेफ्स अनगिनत घरेलू खवातीन और मर्दों ने होम शेफ के बिज़नेस से फ़ायदा उठा के अपना घर चलाया है, और हमारे पास भी एक इंटरनेशनल शेफ मौजूद है. शेफ नौरीन के लिए एक बार फिर तालियां होनी चाहिए, हमारे शो की शान है. जी शेफ नौरीन जी, फूड पांडा को कॉल कर लें प्लीज़, कर लें. Assalamualaikum. कितनी देर है आपको? We are so hungry. एक मिनट में पहुंच रहे. बस सही है, बेहतरीन. अब जितनी देर में शेफ नौरीन का ऑर्डर आ रहा है, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं. शेफ नौरीन बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इनका ऑर्डर आने वाला है खाने का. बिल्कुल, बार बार घड़ी देख रही हूँ अस्वर कि कब वो आएगा, वो आने वाला है. इनकी यह सर्विस जबरदस्त होती है. आई जस्ट लव फूड पांडा. लेकिन मैं यहाँ पे ना एक बात आपसे नौरीन यही कहना चाहूँगा कि कभी भी फूड पांडा के जो राइडर्स वगैरह आते हैं, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एक एक्स्ट्रा टिप दूँ और एक ख्याल उनका करूँ. अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. और सुने, आपके पैसे वॉलेट में जा चुके हैं, ऑनलाइन मैंने पे कर दिया, ठीक है, टिप भी उसमें है आपकी. प्लीज चेक कर लेना, इनका कोई भरोसा नहीं. असल वो चेक करके ही आए, बिकॉज आई एम ओल्ड यू नो कस्टमर. अच्छा, जबरदस्त. भाई ऑफ कोर्स आई थिंक फूड पैंडा की बहुत ही जबरदस्त एक सहूलत है हम सबको, कि हम लोग आराम से ऑर्डर करते हैं और खाना घर पे डिलीवर हो जाता है. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया हो आपसे ज़ाती तौर पर, नॉट थ्रू फूड पैंडा,
और फिर उन्होंने कहा कि नहीं राजेश वो तो दावत कैंसिल हो गई, तुम ही खा लो। लोग तो इस तरह के होते हैं ना राजेश, तरह के तो हर कोई हो सकता है। अच्छा ये मैं आपको इसी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है। लेकिन डोरीन आप क्या कहेंगी होम शेफ्स के बारे में? आजकल आप भी एक शेफ है माशाल्लाह, इंटरनेशनल शेफ है आप होम शेफ्स के बारे में क्या कहेंगी, कैसा लगा? दे आर ब्रिलियंट माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं ना, असल में मैं भी आप लोगों को काफ़ी चीज़ों लाइक जो होम शेफ्स होते हैं मैं काफ़ी ऑर्डर्स करती हूँ एंड आई जस्ट लव द फूड। अब मैं आप लोगों को जब करूँगी तो मैं देखूंगी कि हाउ लाइक द टेस्ट कैसा है। लेकिन आप लोग खाउसे में लाइक जी खाउसे एक्सट्रीम है मेरे रेस्टोरेंट। अच्छा ओके ओके, लेकिन होम शेफ्स आर रियली गुड माशाल्लाह। अच्छा आगे क्या सोचती हैं रबिया, किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ाना है? क्योंकि बच्चों का तो ऑफ कोर्स यू नो फ्यूचर प्लान्स तो बच्चों के बहुत ही जबरदस्त होते हैं, टर्निंग इनटू अ चेन एन इंटरनेशनल चेन, क्या सोचती हैं? आई थिंक फर्स्टली तो ये होता है कि मेन्यू में आइटम्स ऐड करते रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी वी हैव चिकन बर्मीज खाउसे, अल्फ्रेडो पेनी पास्ता, फेरेचीनी पास्ता एंड बेवरेजेस में वी हैव ब्लू मोहितो। तो अब ये है कि जो कस्टमर्स की डिमांड होती है ना, अब मेरा ये है कि कुछ यूनिक करना है। यू नो जो नॉर्मली चीज़ें मिल रही हैं वो तो मिलती हैं, अब कोई यूनिक चीज़ लानी है तो उस पर वी कीप वर्किंग ऑन दैट। तो अब फ्यूचर में हम लोगों ने कुछ नए आइटम्स ऐड करने हैं। हाँ जैसे कि अभी कुछ सोच रहे हैं, दैट्स अ सीक्रेट, बट लाइक अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड देन द मेन गोल इज़ कि हम लोगों ने इंशाल्लाह ताला रेस्टोरेंट अपना खोलना है खाउसे एक्सट्रीम के नाम से, तो ताकि इट इज़ ऑल्सो टू मोटिवेट अदर वुमेन। आई थिंक घर में बैठे हुए होती हैं और वो कुछ करती नहीं हैं, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं से अगर आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं तो मतलब हार्डवर्क के थ्रू आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर हम अपने मुल्क की खवातीन को एम्पावर करते हैं, जिस तरह फूड पैंडा ने इतनी सारी होम शेफ्स को इंस्पायर किया है, एम्पावर किया है कि वो अपने छोटे छोटे घरों से बिजनेसेस खोलें, अपना जो फूड चेन्स हैं उनको चलाएं, लोगों तक अपना खाना अपना टेस्ट डिलीवर करें, ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है। एंड हैट्स ऑफ टू फूड पैंडा फॉर दिस। मुझे एक बात बताइए, जब इनिशियली कभी ऐसा भी होता है नाजिश की, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसको इनिशियली वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, और अब नबी आई थिंक यू नो इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, कोई भी काम ऐसा हो कि इनिशियली आप जब सोच रहे होते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत से ये चीज़ तैयार की, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ, दिल बर्दाश्ता हुई कभी? हाँ ये होता है कि शुरू में तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, इनिशियली नहीं आता, लेकिन ये कि आप थोड़ा टाइम दो उसको, आप मेहनत करते रहो, आप उसको ये नहीं करो कि नहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैंने ये काम छोड़ दिया तो नहीं बस खत्म, गिव अप नहीं करो आप ये कि मेहनत करते रहो तो कभी ना कभी थोड़ा टाइम बाद आपको वो रिजल्ट आता है। एग्जैक्टली कहते हैं नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना कभी भी नहीं। अब मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं करते हुए, लेकिन ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी मेरी शॉप कभी बंद नहीं हुई, मेरे टाइमिंग ऐसी है कि दोपहर में 2 बजे से लेके रात के 3 बजे तक मेरा रेस्टोरेंट ओपन होता है माशाल्लाह। और अगर कभी किसी वजह से मेरा बंद हो जाए, वो ये कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई नेटवर्क का मसला हो, तो डायरेक्ट मुझे कॉल्स आती है कि आपका रेस्टोरेंट क्यों बंद है और हम खाउसे की हमें क्रेविंग हो रही है, आप खोलें, फिर वो डायरेक्ट ऑर्डर मुझे कर देते हैं। फिर ये कि मैंने फेसबुक पे भी एक मैनेजर रखा है जो मेरे पेज चला मतलब मेरे ऐड चला रहा है, इससे ये कि मुझे बहुत ही मतलब मोटिवेशन है, लेकिन ये कि मैंने गिव अप नहीं किया कभी, नेवर गिव अप नहीं किया। और मेरे ख्याल से एक और बात ये भी होती है कि फूड पैंडा जब खाना डिलीवर करता है तो उसकी हाइजीन भी बहुत ज़्यादा उसको मद्देनजर रखते हुए डिलीवर करता है, खाना गर्म होता है, बर वक्त पहुँचता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट फूड पैंडा ऐप इज़ के इतनी वैरायटी है, आपको जो भी खाना है इतनी वैरायटी मौजूद है, और जिस शहर चले जाएं अगर आप शहर स्विच करें कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे अगर मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की थी कि अगर मुझे आपके अब मैं आपका एक रेगुलर क्लाइंट हूँ और मैं अगर मिसाल के तौर पर पंजाब में हूँ या मैं नॉर्दर्न एरियाज में केपी में कहीं पर हूँ, तो मुझे उससे मिलते जुलते ऑप्शन वो उस इलाके के शो करेगा। ये भी एक बहुत ही एक इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन फूड पैंडा की, और जब भी हम खाना उससे फूड पैंडा से ऑर्डर कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स मेरा तो आई यू नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू मेक अप माई माइंड कि इतने ऑप्शंस होते हैं कि भाई किससे और कितना इजी हो गया है, बहुत इजी, डिजर्ट्स मंगा लें, खाना मंगा लें, स्नैक्स मंगा लें, व्हाटएवर जो भी क्रेविंग हो सब आ जाता है, सब आ जाता है, ये बेस्ट हो गया। तो अब कल से शेफ नौरीन छुट्टी पे जा रही है, हम फूड पैंडा ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन वी विश यू ऑल द बेस्ट। और खाउसे एक्सट्रीम अगर आपने ऑर्डर नहीं किया खवातीन हजरात, तो जल्दी से फूड पैंडा की ऐप खोलिए खाउसे एक्सट्रीम से आज ही,
खाओ से ऑर्डर कीजिए, बहुत ही मजे का खाओ से बनाती हैं नाजिश और नबिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और रेस्टोरेंट जब खुलेगा ना, हाँ प्लीज, हाँ ये दो कस्टमर्स तो रेडी हैं, पहले दो कस्टमर्स, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। टीवी वन ने हमेशा आप तक पहुंचाई है क्वालिटी एंटरटेनमेंट, ड्रामे बहुत ही मुनफरिद। आज रात 8 बजे आप देखेंगे ड्रामा सीरियल गोगी की 10वीं किस्त। कास्ट में है अदनान सिद्दीकी, अमर खान, डायरेक्ट किया है इकबाल हुसैन ने। चलिए चल के गोगी का ट्रेलर देखते हैं। तुम लोग चाहते थे उस लड़की को उठा के लेकर आओ, तो ले आया हूं मैं। तेरे दादे ने मेरा बाजू काट दिया। निमो को शेख लिखे हमसे बदला लेने के लिए। टुकड़े कर देंगे मेरे भाई और बाप। दुश्मनी मेरी है और निभानी भी मैंने है। कुड़ी तो कट ले आया शौकारों के, देखना ये कि तुम लोग करते क्या। जब पागल कुत्ते कुकी के पीछे पड़ जाए तो अंजाम क्या होता है। खबरतीन हजरात, आज रात 8 बजे आप टीवी वन की स्क्रीन पे देखेंगे ड्रामा सीरियल गोगी की 10वीं किस्त। इसको डायरेक्ट किया है इकबाल हुसैन साहब ने। कास्ट में है अदनान सिद्दीकी और अमर खान। और अब वक्त हो जाता है एक बार फिर किचन क्वीन का। चलिए जी, अच्छा मैंने आपको बताया था सारी मैंने बॉल्स बना ली थी, ठीक है। हमने बैटर बना लिया था, या हमने ये राइस फ्लावर का बैटर बनाया, ठीक है। और हम ये यहाँ ले आते हैं, अब हम इसको सिर्फ फ्राई करेंगे और मैं आपको बताऊँगी किस तरह फ्राई करना है, ठीक है। चलें जी, हम लेते हैं एक स्पून। ये राइस फ्लावर को हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये पतला कंसिस्टेंसी होगी। मैं आपको बना के दिखाती हूँ मैं किस तरह बनाऊँगी, फिर आप लोग बनाइएगा ज़रूर, डू ट्राई इट, ओके। चलें जी, ये देखें मैंने इस तरह से पॉपसिकल्स में बनाया था, बिल्कुल ड्रम स्टिक्स की शक्ल, ये देखें इस तरह बनाया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एग में डालना है इसको, ठीक है, एग में डालना है इसको हमने। और फिर हमने ये एग से निकाल के हम डालेंगे इसके अंदर ये जो हमने राइस फ्लावर का बैटर बनाया था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपना क्रम्स में, ठीक है। ये हमने क्रम किया इस तरीके से, अच्छा ये देखें, ये क्रम के बाद अगेन ये जाएगा एग में, ये ज़रा ख्याल रखिएगा, ये अगेन जाएगा एग के अंदर, ठीक है। और फिर अब ये जाएगा वर्मिसली, मतलब ये सवैया, ये वर्मिसली में जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये जाएगा ऑयल में, ऑयल में इस तरह से ही जाएगा, ये फ्राई होगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगी, आप छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, आप बड़े बॉल्स भी बना सकते हैं, आप सिर्फ क्रम्स में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस सा बता रही हूँ। चले जी, अब ये जाएगा एग, एग में हम इसको कोट करेंगे इस तरीके से। फिर ये जाएगा इसमें जो राइस फ्लावर है, और फिर अभी हम इसको करेंगे इसके अंदर कोट जो ब्रेड क्रम्स हैं, ठीक है। ये हमने दो किस्म के मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। चलिए जी, अब हम देखते हैं, देखें इसको किस किस का किस किस तरह की शक्ल लगती है, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सी ब्यूटिफुल। आई कैचिंग बनाए खानों को तो मज़ा भी आए, आई कैचिंग भी हो, टेस्ट भी हो, तो यू नो फिर वो लोग खिंचे चले जाते हैं। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को सामने जाते हैं हम जो हमें अट्रैक्ट कर रही होगी, जो आई कैचिंग लगे, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट। ये देखें, ये हमारा फ्राई हो गया, और कलर आपको यही देना है लाइक गोल्डन ब्राउन, नॉट डार्क ब्राउन, वो बिल्कुल जले जले लगते हैं। अच्छा, हमने अब इसको निकालना इधर ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। और ये हम देखें, ये हमने क्रम वाला बनाया था, सिर्फ जो ब्रेड क्रम में बनाया था वो भी रेडी है। इससे बिल्कुल टेम्पूरा लुक आता है, टेम्पूरा प्रॉन्स बनाए या टेम्पूरा फिश बनाइए, इससे बहुत टेम्पूरा लुक आता है, बहुत खूबसूरत लुक आता है। देखें, ये हमारा जो चीज़ बॉल था, ये वाला जो हमने क्रम में लगाया था, ये भी रेडी है। हम इसको भी यहाँ निकाल देते हैं, हम और बनाते हैं। अच्छा, अब मैं सिर्फ इसको क्या करूँगी, राइस फ्लावर में डिप करूँगी। राइस फ्लावर में हमने इसको डिप किया, इसका बैटर, ठीक है, हमने राइस फ्लावर में डाला इसको इस तरीके से। आप लोग कुछ भी क्रिएशंस कर सकते हैं। और फिर हमने देखें सवैयों में डाल दिए, चिपक जाती हैं इसके ऊपर सवैयाँ,
और फिर हम इसको करेंगे डीप फ्राई। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं एक और, अब हम एगी कर देते हैं, थोड़ा सा एगी। ये हमने एग के उसमें डाला, ठीक है। अच्छा, एक ही हाथ आपके गंदे होते हैं तो सही है, क्योंकि आपने ग्लव्स पहने हुए, नॉट ए प्रॉब्लम। इसको हम करेंगे क्रम्स में, हम इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। इस तरह हम ये वाली बॉल भी ले लेते हैं, इसको भी हम एग के साथ करेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि मैंने इसमें मिल्क भी ऐड किया था, ठीक है, मिल्क भी ऐड किया था। अब ये आ जाएगा, सही है। चलें जी, अच्छा चलें, मैं आपको इतने ये फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने इसमें लिए थे 4 बड़े आलू, ठीक है। उसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाली, गाजर डाली, हरी प्याज डाली, नॉर्मल अनियन डाला स्लाइस करके, चॉप करके, और मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, और वाइट पेपर पाउडर ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, नमक ऐड किया, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड करी, और साबुत जो लाल मिर्ची होती वो ऐड करी, और मैंने इसमें आपका प्लेन जो वो होती हैं चिकन, क्या कहते हैं उसको, मिर्चें जो होती हैं प्लेन चिकन पाउडर जो होता है, लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड किया, ठीक है। और फिर मैंने इसके बाद इसको अंडे में डिप किया, फिर मैंने उसका जो बैटर बनाया था राइस फ्लावर का उसमें डिप करके, फिर मैंने क्रम्स में और सेवइयों के उसमें मैंने इसको कोट करके, फिर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया। साथ में हमने इसके रायता बनाया है, ब्रेड को थोड़ा सा मेयोनेज लगा दिया, और फिर हमने इसको इसके साथ सर्व कर दिया। चलिए हम थोड़ा सा सर्विंग पे भी आ जाते हैं, जो हमारे फ्राई हो गए हैं, फिर बाकी के हम बाद में कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, ये हो गया हमारे 2 वर्मिसली के साथ, ठीक है। ये हमने 2 रख दिए इसमें प्लेन, ये आ गए हमारे। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं। अगर जो चीज़ी लवर है वो चीज़ के साथ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़। आपने आलू की पैथी बनाई, बीच में आपने चीज़ का क्यूब रखा, फिर आपने इसको अंडे में डिप किया, मैदे राइस फ्लावर में डिप किया जो इसका बैटर था, फिर आपने इसमें क्रम्स में डाला, सेवइयों में डाल के इसको डीप फ्राई कर लें। इट विल लव, यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। चलें हम, अगर एक हमारे पास टाइम है तो हम एक और बना लेते हैं। चलें हम, हमारी डिश भी रेडी हो गई है, और मेरा प्रोग्राम जो है, जो किचन सेगमेंट है, वो भी एंड को पहुंच गया। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे देखने असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं एक और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी से। सबसे पहले तो भाई इनके लिए तालियां होनी चाहिए, फिर अनाउंस करूंगा। हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार शख्सियत, अभी रिसेंटली इनको तमगा इम्तियाज मिला है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स आईटी एंड डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स पे एडवाइजरी बोर्ड पे है टिकटॉक पंजाब और सिंध आईटी बोर्ड्स के लिए, उसके लिए तालियां। और 2021 में जहारा को और 2021 में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डिजिटल इंडस्ट्री एट द पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स भी 2021 में इनको मिल चुका है। हमारे साथ हैं जहारा। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है। इतनी कम उम्र और इतने सारे काम। कम उम्र नहीं है, देखें आप यू कहीं बीइंग काइंड। लेकिन जहारा, आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन माशाल्लाह जो तजुर्बा और जिस तरह आप काम कर रही है, कैटलिस्ट लैब्स 3 साल पहले कायम में आया, आप मुझे उस वक्त मुझे एक्सपेरिमेंट जो मैं स्टार्टअप्स को 6 साल से बता रही थी कि इस तरह बिजनेस सेटअप होता है, तो वो मैंने फिर 3 साल पहले खुद करके देखा कि वाकई सही चीज़ें बता रहे थे या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक चल पड़ा। लेकिन जहारा, आपका एक तजुर्बा तो सारा साल वहाँ पे एक मोहित है, लेकिन मुझे एक बात ही बताएं, जब कभी इंसान अपना कोई कारोबार शुरू करता है या जिस तरह आपने कैटलिस्ट लैब्स को शुरू किया था, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो लाजमी होगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा, है ना, खौफ भी होता है। क्या तो वो वक्त कैसा था 3 साल का, और वो तो मुश्किल था, कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम था, और घर से शुरू किया था। फिर एक हमारे स्टार्टअप था जिसकी हमने कई साल पहले मदद की थी, उन्होंने कहा हमारे ऑफिस में स्पेस है, अगर आप चाहें एक कमरा हम आपको दे सकते हैं, तो उस कमरे से फिर हमने कैटलिस्ट लैब शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है फंडरेजिंग भी की, काम मेहनत की, नाम को सोशल मीडिया से बहुत आसानी हो गई है, इसलिए कि ब्रांडिंग आपको जब करनी हो तो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे हो जाती,
और चेहरा जाना पहचाना हो तो और आसानी से हो जाती है। तो इस तरह बस मेहनत बहुत की, दिन रात लगा दिया। आई थिंक वो तो आप कोई भी काम करें मेहनत तो मेरे ख्याल से इट्स गिवन के वो तो करनी ही होगी। अच्छा जहाना मुझे एक बात बताएं, एक आपका एक इवेंट भी आने वाला है स्लश्ट, उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, जब एक कहा ही जाता है यूजुअली कि जब एक खातून बिजनेस के अंदर कदम रख रही होती हैं, चाहे वो पहले जॉब्स करती आई हैं, जो भी तजुर्बा, एक खातून होने की हैसियत से उनको थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, क्या ये सच है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ मगर ये सच है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, इनको बिजनेस करने का, एक साल करेंगी, छः महीने करेंगी, उसके बाद छोड़ देंगी। अरे कहाँ कर पाएंगी, कहाँ कर पाएंगी ये लोगों का? मगर हालांकि बहुत सी यंगर औरतों ने करके दिखाया है, चाहे वो एजुकेशन के एरिया में हो, हेल्थ केयर के एरिया में हो, फूड के में तो है ही, फैशन में भी है। तो जब उन्होंने करके दिखा दिया तो अब क्या सवाल है कि नहीं कर पाएंगे? आई थिंक वो मानना नहीं होता जी, कभी कभी होता है ना, मानना नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई भी शख्स अपने लिए कॉम्पिटिशन तैयार नहीं करता, उनको लगता है कि अरे भाई, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि खवातीन कोई भी चीज़ करती है वो थोड़ा बेहतर करती है, ज़्यादा मेहनत करती हैं और एक सलीका भी उस चीज़ के अंदर आपको नज़र आ रहा होता है, अनसर्टेनिटी नहीं होती, फोकस मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है। मुझे लगता है एक डेप्थ भी अगर आप देखें, मुझे लगता है खवातीन में थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे मुल्क में, एक सोचने की जो सलाह। देखें मर्द नाराज़ हो जाएंगे क्या? आई थिंक सच्चाई, जो सच्चाई मैं ये नहीं कह रहा कि कम है मर्दों में, लेकिन मुझे लगता है वुमेन टुडे पाकिस्तानी वुमेन आर एट पार, जो है ना, मुझे लगता है कि फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि ये तो हम कर ही लेंगे। औरतें कहती हैं थोड़ा सा भी उनको डाउट होना तो वो उसमें और सीखने में वक्त लगाती हैं और मेहनत करती हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको डेप्थ ज़्यादा नज़र नहीं। और आप देखिए कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खवातीन चला रही है, हमारा चैनल की सीईओ माशाल्लाह एक खातून और क्या बेहतरीन एक रोल मॉडल है फॉर लॉट ऑफ पीपल। अच्छा जहाँ स्लश्ट आपका एक इवेंट आने वाला है जो कि हफ्ते के दिन है, उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दीजिए। अच्छा स्लश्ट जो है ना असफर, ये शुरू हुआ था हेलसिंकी में, फिनलैंड में, और वो शुरू किया था स्टूडेंट्स ने। ये बहुत ख़ास बात है इसमें कि स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट शुरू किया कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी चाहिए, नए बिजनेसेस होने चाहिए और इसी तरह यूरोप ग्रो होगा। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो स्प्रेड हुआ, तो हमारी बात हुई थी उनसे पिछले साल और हमने कहा हम कराची में करवाना चाहते हैं, और उन्होंने हमारे और जो इवेंट्स हम करते रहते हैं वो देख के उन्होंने कहा हाँ हमें कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे, तो वो हम यहाँ लाए हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये अर्ली स्टेज जो फाउंडर होते हैं जिन्होंने अभी कुछ अर्से पहले बिजनेस शुरू किया होता है, इन्वेस्टर्स मेंटोर्स उनको भी होना होता है ज़रूर, तो ये एक थोड़ा बहुत एंगेजमेंट हो जाता है इन सब लोगों में और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही होती हैं, टॉक्स तो हो ही रही होती हैं, सीरियस डिस्कशंस कि किस तरह बिज़नेस को ग्रो किया जाए। कुछ स्टार्टअप जिन्होंने किया हुआ है वो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि ये गलतियाँ हमने की, जिसमें वो गलतियाँ आप मत करिएगा, नई गलतियाँ करिएगा। और फिर उसमें हमने फूड का सेक्शन भी रखा है, गेमिंग का भी सेक्शन रखा है, इम्प्रोव भी हो रहा है, बूथ्स भी लोगों ने लगाए हैं टू शेयर के ऑगमेंटेड रियलिटी की जो चीज़ें हैं, बिल्कुल, तो वहाँ होना ज़रूरी है। एक दिन का सिर्फ रखा है, सुबह 10 बजे से और शाम 6 बजे। और कहाँ पे? ये एक एयरफोर्स का वो फैल्कन मॉल होता था जी, जो फिर नहीं बना मॉल, शार फैसल पे, उसी में हो रहा है। हमने सोचा है कि मुख्तलिफ जगह पे करें और वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो उन्होंने उनके साथ मिल के हमने, पार्किंग का भी इशू नहीं है, पार्किंग का इशू नहीं है, इशू नहीं है, जो सिक्योरिटी का इशू है जो हमने उनके साथ मिल के सॉल्व कर दिया है। अच्छा जबरदस्त। वैसे मुझे एक बात बता जहाँ, आपको क्या लगता है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज़ का क्या जुमरा है? देखिए शुरू में तो उनको सपोर्ट करने वाले इतने लोग नहीं थे, लोग कहते थे क्या करेंगे ये लोग, पैसे ज़ाया होंगे, नौकरी कर लें। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा जब यंगस्टर्स ने, अब आप देखें चाहे वो फूड बिजनेसेस बड़ी बड़ी हमारे यहाँ हैं, उन्होंने वो दे वर स्टार्टेड बाय यंग पीपल, और हेल्थ केयर में भी आप देखें, एजुकेशन के एरिया में बहुत यंगस्टर्स ने शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि ये बिजनेसेस ग्रो भी हो रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर के मुल्कों में भी जा रही हैं, तो फिर उनमें इन्वेस्ट करना शुरू किया, नहीं तो लोग नहीं कर रहे थे, सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। मगर कुछ ऐसे लोग हमारी कम्युनिटी में ज़रूर हैं जो कहते थे करो, अगर कुछ सीखना है हम सिखाएंगे तुम्हें, तो हम लोग बहुत कुछ बहुत काम आसान हो जाता है अगर कुछ सिखा जी। बहुत से लोग हैं जो बिजनेस कर चुके हैं
और वो टेक नहीं जानते होंगे मगर बिजनेस प्रिंसिपल्स तो उनको आते हैं और बहुत से लोग ने किया है, तो उनको फिर हमने कॉन्टैक्ट किया कि आप आएँ। और सिर्फ हमने नहीं, हमने शुरू किया था, लाहौर में शुरू हुआ, इस्लामाबाद में शुरू हुआ, फिर अब तो अक्रॉस पाकिस्तान, फैसलाबाद, पेशावर, हर जगह लोगों ने सेटअप करना शुरू किया है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेशन सेंटर्स, उसमें फिर बच्चों को, बच्चियों को मौका मिलता है कि वो अपनी बिज़नेस आइडिया लेके आएं, सीखें कि इसको किस तरह बनाया जाएगा, उसके फाइनेंसिस किस तरह हैंडल करेंगे, इसलिए कि पैसे हैंडल करना भी एक आर्ट होता आर्ट होता है, ऑफकोर्स। नहीं तो आप सब पैसे खत्म कर देंगे तो कुछ भी बिल्कुल बचेगा। आर्ट का एक हुनर, एक बहुत ही बहुत बड़ा हुनर, एक बड़ा कमाल हुनर है ये। मुझे एक बात बताएं कि जब आप बात कर रहे होते हैं बिजनेस सेटअप करने की, और ये सारे जो स्लश डी आपका इवेंट आ रहा है, ये सिर्फ इस वक्त कराची में आप कर रहे हैं जी, आप इसको बाकी शहरों में भी लेके जाएंगे, सवाल एक। दूसरा है कि किस तरह से यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं या पीपल यू नो जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा कैसे होगा? देखें, स्लश तो हम सिर्फ कराची में कर रहे हैं, हम हर साल एक इवेंट करते हैं +92 डिसरप्ट के नाम से, ठीक है। वो हमने पिछले साल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों जगह किया, मगर लोग और शहरों से भी आते हैं। फ़ायदा किस तरह हो सकता है? देखें, मैंने ये देखा है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे वो एक सोशल इवेंट हो या बिज़नेस इवेंट हो, लोग ग्रुप में जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, उन्हीं के साथ रहते हैं, इससे बेनिफिट आपको नहीं होगा। आप जाएं, आप लोगों से मिलें, 5-10 नए लोगों से मिलेंगे तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी निकल आएगी, अपना आइडिया शेयर करें, अगर वो हंसे आपके ऊपर कोई बात नहीं। अर्ली इन लाइफ मैंने ये सीख लिया था, अपने ऊपर पहले हंसना चाहिए और फिर आगे जो है ना लोग आपके साथ मिलके हंसेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो सबसे आई थिंक मोस्ट पावरफुल जो कोई टिप हो सकती है वो ये कि अपने पे हंसना आप सीख लें। अपने ऊपर हंसें, क्या हो जाएगा, लोग हंसेंगे ना, खुश होंगे, कोई बात नहीं। तो आप अगर जाएं इवेंट में तो पहले आप लोगों से जाके मिलें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, अपना बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो कुछ कोई एडवाइस भी दे देगा, ज़रूरी नहीं आप सबके एडवाइस लें, सुने और उसके बाद देख लें कि क्या यूज़फुल इसमें से पॉइंट था वो इस्तेमाल करें। अच्छा, जहाँ रहे ना नट शेल, अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्टअप का आपको क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। देखें, इकॉनमी जब भी ख़राब होती है दुनिया भर में, एंटरप्रेन्योरशिप राइज होती है, इसलिए कि उस वक्त लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही होती तो वो अपनी बिजनेसेस शुरू करते हैं। और हमारे यहाँ जो है फेलियर्स भी हुए हैं, दुनिया भर में होते हैं, मगर उससे आदमी सीखता है और उसके बाद जो नया बिजनेस शुरू करता है उसमें वो लेसन्स अप्लाई करता है। जी, आइदर यू विन और यू लर्न, यही होता है। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, आप एडवाइजरी बोर्ड पे हैं टिकटॉक के जी, और जो टिकटॉक का सीईओ है उसने कहा मैं अपने बच्चों को टिकटॉक ना देखने देता हूँ ना इस्तेमाल करने देता हूँ, और आप एडवाइजरी बोर्ड पे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप देखती हैं टिकटॉक? बनाती तो नहीं होंगी? बनाती हूँ। बनाती है? सही बताएं, बस इसके बाद मैं और जहारा मिलकर एक टिकटॉक बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, इतना नहीं बनाती जितना मुझे बनाना चाहिए, इसलिए कि अब वो प्लेटफॉर्म काफ़ी इंक्रीज हो गया, अब सिर्फ बच्चे नहीं देखते उसको, बड़े भी देखते हैं, कंपनीज भी अपनी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मेरा काम एडवाइजरी बोर्ड पर यह है कि सेफ्टी जो है ना, कॉन्टेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सेफ किस तरह रखा जाए बच्चों के लिए, खास तौर पे गाइडलाइंस, उसमें गाइडलाइंस हम लोग मिल के, दुनिया भर से मेंबर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में सेफ्टी गाइडलाइंस डिफरेंट होती हैं, तो हम मैं अपना शेयर करती हूँ एक्सपीरियंस के पाकिस्तान में क्या चीज़ जो है एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ डेंजरस हो सकती है यंग, खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं। बट जहाँ पे ज़ाती तौर पे जरूरत है कि टिकटॉक की वजह से टुडे वी हैव टिकटॉक स्टार्स। बिल्कुल। दे आर बिगर देन अ लॉट ऑफ एक्टर्स बीन वर्किंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मुझे मैं ये चाहता हूँ कि जो टिकटॉक का एडवाइजरी बोर्ड के जिस तरह आप एक मेंबर है, टिकटॉक स्टार्स के लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी या एक इंडस्ट्री या एक सेपरेट एंटिटी उनको कंसिडर किया जाना चाहिए। बिल्कुल। यू नो वो ओवरफ्लो बहुत टैलेंटेड लोग हाँ, यू बिकॉज वो ट्रांजिशन करके हमारे एक्टिंग ग्रुप के अंदर, एक्टर्स के अंदर शमूलियत अख्तियार करते हैं कि ये भी सेलिब्रिटीज का, लेकिन आई थिंक टिकटॉकर्स जो हैं जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्किल्ड टिकटॉकर्स हैं, यू नो दे लाइक सो मेनी पीपल डूइंग ऐसी ऐसी चीज़ें, हम देख रहे होते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि वाओ। और फिर कभी कभी इतने लड़के लड़कियाँ होते हैं जिनको एक्टर्स वगैरह नहीं जानते, पॉलिटिशियंस नहीं जानते, बट दे आर टिकटॉक स्टार्स विद मैसिव फॉलोइंग। और इसी तरह आप भी एक्टर होने के बाद आप टिकटॉक स्टार भी बन सकते हैं। बड़ी ये थी एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस मुझे कि वहाँ भी जाए जरा। बट जहारा, इट वाज लवली मीटिंग यू। लवली मीटिंग। हाउ डू यू अनवाइंड वैसे छुट्टी के दिन, क्या करते हैं आप? मैं छुट्टी, मुझे पता नहीं कि मैं छुट्टी लेती भी हूँ कभी या नहीं, इसलिए कि काम मुझे इतना अपना पसंद है कि मैं जब भी लैपटॉप खोलती हूँ तो
कुछ ना कुछ करती हूँ, मगर म्यूज़िक सुनना, किताब पढ़ना, टीवी मैं इतना नहीं देखती, कभी कभी फिल्म अच्छी होती हैं तो देख लेती हूँ, मगर नॉर्मली अनवाइंड करने का यही है कि लोगों से नहीं मिलती उस दिन, लोगों से नहीं मिलती, इसलिए कि पूरे हफ्ते इतने लोगों से मिलती हूँ कि जी चाहता है बस अकेले। मैं तो क्या करता हूँ छुट्टी के दिन ना, जितने लोगों से पूरे हफ्ते मिला होता हूँ ना, उनकी फिर छांटी करता हूँ, फिल्टरिंग आउट कि किनको रखूँ और किनको हटा दूँ। बट जहाँ लास्ट का जो टिकट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, क्या तरीका है? आप कैटलिस लैब्स की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से मिल सकते हैं या ticketwala.pk पे जाएं, वहाँ जबरदस्त ticketwala.pk पे जाएं या कैटलिस लैब्स की वेबसाइट है, स्क्रीन पे इस वक्त आपके आ रही होगी, वहाँ जाके आप स्लास्ट के कॉन्सर्ट के टिकट ले सकते हैं। सैटरडे को जाइए सब, हैव अ ग्रेट फॉर, आप भी आइएगा। क्या मतलब आपका क्या ख्याल है? अब आपने आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं जा रहा, लेकिन इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल बी देयर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ख़वातीन और हज़रात, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए, और हम फ्राइडे को एक बार फिर याद दहानी कराएंगे कि सैटरडे को आप क्या क्या कर सकते हैं। वक्त हो जाता आपसे अलविदा लेने का, कल फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।